इसको समझता क्या है? किस मशहूर कोरियोग्राफर ने मस्ती किया लोअर जुनॉस समंथा के साथ? कितना चार्ज किया समंथा ने सिर्फ 3 मिनट के इस आइटम नंबर के लिए? साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्प द राइज बॉक्स ऑफिस पर लगातार तहलका मचाती आ रही है, पहले साउथ में तो अब नॉर्थ में। अपनी सफलता से फिल्म ने खुद को सक्सेसफुल फिल्मों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। फिल्म का एकाएक एलिमेंट काबिली तारीफ है। फिल्म की कहानी के अलावा डायलॉग, स्क्रीन प्ले और गाने सभी ने अपनी छाप छोड़ दी। सबसे ज्यादा तो फिल्म के गाने ओ बोलेगा या ओ बोलेगा ने सुर्खियां बटोरी। गाने पर समंथा की बोल्ड डांस ने धूम मचा रखी है। फिल्म का ये चर्चित सॉन्ग पर्दे पर देखने में जितना मजेदार है, उतना ही दिलचस्प इसके पर्दे के पीछे की कहानी है। गाने के कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने हाल ही में फिल्म के सेट का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो में गाना ओ बोलेगा या ओ बोलेगा के शूट के दौरान का है। वीडियो में गणेश आचार्य, अल्लू अर्जुन और समंथा मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पा के इस बिहाइंड द शूट वीडियो में गणेश आचार्य सॉन्ग का हुकअप स्टेप करते हुए अल्लू अर्जुन और समंथा को दिखा रहे हैं। उनके स्टेप्स को देखकर समंथा और अल्लू की हंसी छूट जाती है। समंथा ताली बजाते हुए गणेश को अप्रिशिएट करती नजर आ रही है। इसके बाद अल्लू के साथ इसी स्टेप को कॉपी करते भी नजर आई। गणेश आचार्य ने इस BTS वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मेरे फेवरेट के साथ एक और हिट, सेट पर इन दोनों के साथ सबसे अधिक फन टाइम बिताने का मौका मिला। इस पोस्ट में गणेश आचार्य ने अल्लू अर्जुन और समंथा रुद्र प्रभु को टैग भी किया है। बता दें, फिल्म पुष्पा में इस गाने के अलावा श्रीवल्ली भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जहां श्रीवल्ली चार्ट बस्टर में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं ओ बोलेगा या ओ बोलेगा यूट्यूब पर दूसरे नंबर पर है। पुष्पा द राइज ने कमाई के मामले में खूब फिल्मों को पीछे छोड़ा। पुष्पा 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के अलावा जिस एक्ट्रेस की चर्चा हुई है वो है समंथा रुद्र प्रभु। समंथा ने इस फिल्म में करीब 3 मिनट का एक आइटम नंबर किया है। पहले खबर थी कि आइटम नंबर के लिए समंथा ने करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। हालांकि सच कुछ और ही है। रिपोर्ट्स की माने तो 3 मिनट के गाने के लिए समंथा ने 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरे 5 करोड़ रुपए वसूले हैं। कहा जा रहा है कि समंथा ने तो अंदावे गाने की मोटी रकम ली है। अब इस गाने में डांस करने के लिए समंथा को खुद अल्लू अर्जुन ने राजी किया था। शुरुआत में समंथा को गाने के कुछ स्टेप्स को लेकर दिक्कत थी, लेकिन बाद में वो मान गई और डांस में कोई चेंज नहीं करवाया। खबरें तो ये भी हैं कि समंथा को पुष्पा पार्ट 2 के लिए भी आइटम नंबर के लिए अप्रोच किया गया है। भाई क्या लाइफ है, किसी ने सोचा था कि 3 मिनट के गाने के लिए 5 करोड़ मिल सकते हैं? क्या आपको भी समंथा का आइटम नंबर पसंद आया? क्या कहा पुष्पा 2 पर सुकुमार ने? कब होगी पुष्पा 2 रिलीज? क्या होगी पुष्पा 2 की कहानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा रिलीज होकर धूम मचा रही है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। इस हिसाब से फिल्म आने वाले दिनों में बंपर कमाई करेगी। सभी को पता है कि फिल्म मेकर्स ने फिल्म को 2 भागों में रिलीज करने का फैसला किया था। फिल्म का पहला भाग पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। अब फिल्म के दूसरे भाग पुष्पा द रूल को लेकर खबरें आना शुरू हो गई हैं। फिल्म का अगला पार्ट पुष्पा द रूल 17 दिसंबर 2022 को रिलीज होगा। पहले पार्ट को देखकर सबको यही लगा है कि पुष्पा राज ही रियल स्मगलर हैं। लेकिन कहते हैं ना, कमल में खिलने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। बस वो कमल फिल्म में लाल चंदन की लकड़ी है और सारे स्मगलर वो कीचड़, जिसमें अल्लू अर्जुन भी उतर गए हैं। अब उस कीचड़ में उतरकर ये कैसे सारी कीचड़ को साफ करते हैं, हमें आगे पुष्पा 2 में देखने को मिलने वाला है, जिसमें फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के बीच में फेस ऑफ होने वाला है, क्योंकि फहद ही फिल्म का असली विलन होने वाला है, जिसकी तलाश पुष्पराज को शुरू से है। आपको बता दें कि सुकुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। साथ ही फिल्म ने स्पाइडरमैन नो वे होम की हैकड़ी भी निकाल दी है। फिल्म ने न केवल साउथ के राज्यों में बल्कि नॉर्थ में भी अच्छी खासी कमाई की है। फिल्म के हिंदी संस्करण ने भी 17 करोड़ रुपए के करीब कमाई कर ली है। पुष्पा क्या ट्वीट किया गुरु रंधावा ने फिल्म पुष्पा और अल्लू अर्जुन के लिए? क्या तमिल अभिनेता कमल हसन को भी भा गई ये फिल्म पुष्पा?
अलू अर्जुन और अश्मिका मंदना स्टार है पुष्पा द राइज ने सभी भाषाओं के दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया और जिसे देखो वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा। कुछ लोगों पर इसके डायलॉग्स और इसके गानों का ऐसा भूत सवार हुआ तो आए दिन रील्स बनाते हैं। तो वहीं फिल्म जगत से ताल्लुक रखने वाले सेलेब्स पुष्पा के स्टार कास्ट के अभिनय के मुरीद होते दिख रहे। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स तो पहले अल्लू अर्जुन की तारीफ कर ही चुके हैं और क्रिकेटर्स भी अभिनेता के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर कर चुके। अब इसी बीच पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी अल्लू अर्जुन के अभिनय को दिल खोल कर सराहा है। नोरा फतेही के साथ डांस मेरी रानी के जरिए करोड़ों दर्शकों का दिल जीत चुके गुरु रंधावा ने हाल ही में पुष्पा देखी और इसके लीड एक्टर सहित पूरी टीम को परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए पुल बांधे। नाच मेरी रानी फेम सिंगर ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर लिखा #पुष्पा पुष्पादरू सिनेमा का ऐसा बेहतरीन काम। अल्लू अर्जुन भाई द सुपर स्टार लेजेंड रश्मिका मंदना क्या शानदार परफॉर्मेंस है। अब ऐसी अविश्वसनीय फिल्म बनाने के लिए पूरी टीम को बधाई। उन्होंने फिल्म के निर्देशन सुकुमार और इसके म्यूजिक डायरेक्टर देवेश प्रसाद के संगीत को भी सराहा है जिनका म्यूजिक इंटरनेट पर वायरल है। पंजाबी सिंगर के पोस्ट पर अल्लू अर्जुन ने भी अपना जवाब दिया और लिखा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपकी तारीफ आपकी आवाज की तरह दिल को छू लेने वाली है। खुशी है कि आपको ये बहुत पसंद आए, सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। रंधावा के अलावा सुपरस्टार कमल हासन ने भी पुष्पा देखी। उन्होंने अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदना स्टारर को OTT प्लेटफॉर्म पर देखा। अब इसी जानकारी पर पुष्पा के म्यूजिशियन देवी प्रसाद ने अपने ट्विटर पर दी है। अब उन्होंने 15 जनवरी को कमल हासन से मुलाकात की थी और इसी बीच उन्हें पुष्पा द राइज देखने का सुझाव दिया। दोनों ने फिल्म देखी और कलाकारों और प्रियो की प्रशंसा की। संगीतकार ने अपनी मुलाकात से तस्वीर शेयर कर लिखा डियर कमल हासन सर, थैंक यू आपने हमारी फिल्म #पुष्पा द राइज प्राइम पर देखी, आप सबसे प्यारे सर हैं, हम सभी के काम के बारे में सराहना करने के लिए थैंक यू। पुष्पा में अल्लू ने पुष्पराज नामक एक लाल चंदन स्मगलर की भूमिका निभाई और रश्मिका मंदना श्रीवल्ली के किरदार में उनके प्रेमिका के किरदार में। फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिल को जीता है और बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रखा है। वहीं क्या इतनी पॉपुलैरिटी के बाद अल्लू अर्जुन नजर आ सकते हैं बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं? कैसे शुमार हुए अल्लू अर्जुन पैन इंडिया स्टार में, कैसे बनते हैं पैन इंडिया स्टार, क्यों हुए अल्लू अर्जुन इतने पॉपुलर, कौन से बॉलीवुड एक्टर को लेना चाहते हैं सुकुमार। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। पुष्पा की सफलता किसी से नहीं छुपी है, इस फिल्म ने अपने रास्ते में आने वाली सभी फिल्मों को पानी पिलाया है। अल्लू अर्जुन की ये पहली फिल्म थी जो पैन इंडिया रिलीज हुई। बताते चले कि पैन का अर्थ प्रेजेंस अक्रॉस नेशन होता है। इस तरह पैन इंडिया सुपरस्टार का मतलब हुआ कि जब कोई कलाकार भारत की कई फिल्म इंडस्ट्री जैसे कॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड और बॉलीवुड में एक साथ काम कर रहा हो या फिर उसकी फिल्में एक साथ कई भाषाओं में रिलीज होती हो, देखी और पसंद की जाती हो, जो उसे पैन इंडिया सुपरस्टार कहा जा सकता है। इस लिस्ट में थलाइवा रजनीकांत से लेकर प्रभास तक का नाम शामिल है, इन्हें पूरे देश में प्यार मिलता है। इसीलिए फिल्म पुष्पा द राइज ने देश को नया पैन इंडिया सुपरस्टार दिया है जिनका नाम अल्लू अर्जुन है। वैसे तो थलाइवी रजनीकांत को पहला पैन इंडिया स्टार माना जाता है, लेकिन फिल्म की कमाई और कई वर्जन में रिलीज के आधार पर देखा जाए तो सुपरस्टार प्रभास का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन साथ ही सिनेमा के सुपरस्टार्स की चर्चा होते ही हमारे जहन में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सितारों के नाम याद आने लगते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड के ये सुपरस्टार्स पूरे देश में पसंद किए जाते हैं या फिर केवल हिंदी भाषी राज्यों में ही इनकी फैन फॉलोइंग है। इसका जवाब है कि बॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स को चाहने वाले ज्यादातर हिंदी भाषी लोग ही हैं। यदि पैन इंडिया सुपरस्टार्स की बात की जाए तो सभी नाम साउथ सिनेमा के सितारों के सामने आते हैं। सही मायने में इनकी फिल्मों को दक्षिण से उत्तर तक देखा जाता है। इन्हें जितना प्यार अपने भाषा भाषी दर्शकों से मिलता है उतना ही दूसरे राज्यों के लोगों में भी इनका क्रेज देखा जा सकता है। हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज के हीरो साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इसके रिसेंट एग्जांपल हैं। पुष्पा द राइज मूल रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मूवी है, लेकिन इसे पैन इंडिया स्तर पर तेलुगु के साथ
तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया है। इस फिल्म का प्रमोशन बहुत ज्यादा नहीं किया गया था, यहाँ तक कि हिंदी फैंस लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद माउथ पब्लिसिटी के दम पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। इसकी वजह से अल्लू अर्जुन साउथ से निकलकर नॉर्थ के राज्यों में भी छा गए हैं। हर तरफ उनकी दमदार अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी की चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि बॉलीवुड के स्टार्स भी उनके फैंस हो गए हैं। इनकी पुष्पा की इतनी चर्चा है कि लोग इसके दूसरे पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कई बॉलीवुड स्टार की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि सुकुमार चाहते हैं कि उनकी फिल्म को बड़े स्तर पर पहुंचाया जाए। और ये तभी संभव है जब इसमें बॉलीवुड से कोई मोस्ट लव्ड एक्टर आकर जुड़ जाएगा। तो वो एक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी पहचान युवा वर्ग में ज्यादा हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पुष्पा 2 को देखने जाएं। साथ ही पुष्पा 2 में सभी किरदार फिर से देखने को मिलने वाले हैं, बस समंथा के। जी हाँ, समंथा पुष्पा 2 में नहीं होंगी। खैर, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जगह कोई और होगा और वो भी बॉलीवुड से ही होगी। तो आप पुष्पा 2 को देखने के लिए कितने इंटरेस्टेड? इन बॉलीवुड स्टार्स की हुई एंट्री, क्या राजपाल करेंगे साउथ डेब्यू? किस रोल में दिखेंगे परेश रावल? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीक्रैट स्टूडियोज, एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो गाइस, पुष्पा ने हाल ही में रिलीज हुई सभी फिल्मों की हवा निकाल दी है। इसमें साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना लीड रोल्स में थे, जिसे निर्देशक सुकुमार ने बनाया था। फिल्म पुष्पा हिंदी दर्शकों में भी सुपरहिट हुई है। इस फिल्म को सभी भाषाओं में दर्शकों ने खूब प्यार दिया है, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना का पैन इंडिया दाव सक्सेसफुल रहा है। अब इस फिल्म के रिलीज के बाद ही इसके दूसरे पार्ट की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। इस फिल्म के दूसरे पार्ट को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए मेकर्स इन दिनों जमकर माथापच्ची कर रहे हैं। बता दें, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को हिंदी फैंस में भी काफी प्यार मिला था, जिसे ध्यान में रखते हुए मेकर्स अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट में बॉलीवुड के बड़े सितारों को लाने की कोशिश में है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, राजपाल यादव का नाम सामने आ रहा है, जिसमें ये तीनों ही विलन के रोल में नजर आएंगे। हम इन्हें पहले भी कई फिल्मों में विलन के रोल में देख चुके हैं। बता दें, फिल्म में राजपाल यादव छोटा डॉन की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं परेश रावल छोटा सरकार का रोल अदा करेंगे। छोटा सरकार फिल्म में मेन विलन हो सकता है, जिसके कहने पर ही लाल चंदन की तस्करी बाहर के देशों में की जाती है और वहां से पैसा कमाया जाता है। बता दें, सुकुमार इन दिनों फिल्म की स्क्रिप्ट को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही फिल्म में बॉलीवुड सितारों की एंट्री करवाने के लिए निर्माता प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में अब फैंस इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि आखिर किस फिल्म स्टार को मेकर्स अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के दूसरे पार्ट में मौका देंगे। साथ ही अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज में समंथा रुद्र प्रभु एक स्पेशल डांस नंबर में नजर आई थी। एक्ट्रेस का ये डांस नंबर सुपरहिट साबित हुआ, लोगों ने एक्ट्रेस को इस डांस नंबर में बहुत पसंद किया था। हालांकि अब समंथा के चाहने वालों के लिए बुरी खबर ये है कि अदाकारा को इस फिल्म के दूसरे पार्ट में नहीं लिया जाएगा। रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म के दूसरे पार्ट में डांस नंबर के लिए भी मेकर्स इस बार किसी बॉलीवुड फिल्म स्टार को ही मौका देना चाहते हैं। फिल्म के लिए स्ट्रेटेजी हिंदी दर्शकों तक ज्यादा गहरी पहुंच बनाने में काम आएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा 2 में सुकुमार की स्ट्रेटेजी काम आएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अर्जुन की फीस कितने का चूना लगा मेकर्स को? पुष्पा 2 के लिए क्या ऑफर दिया कास्ट को? पुष्पा द राइज इन द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही, ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक के रूप में सामने आई। दर्शकों के बीच इसका क्रेज ऑलरेडी देखा जा चुका है और क्रेज कम नहीं हो रहा। अब इस फिल्म को 200 करोड़ रूपए के बजट में बनाया गया। फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि सुपरहिट मूवी से जुड़े कलाकारों में से हर एक ने निर्माता को पूरा लूट लिया और अच्छे खासे पैसे लिए। लीड एक्टर अल्लू अर्जुन ने पुष्पराज की भूमिका पर्दे पर निभाने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वहीं फीमेल लीड रश्मिका मंदाना, जो की उनकी ऑन स्क्रीन लव इंटरेस्ट के रूप में दिखी हैं, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लिए। समंथा रुद्र प्रभु ने एक स्पेशल नंबर ओ अंतवा मेल के लिए 1.5 करोड़ रुपीस लिए। और उसी तरह IPS भंवर सिंह का किरदार निभाने के लिए फहद फासिल ने करीब 3 करोड़ रुपए लिए। फिल्म में दक्षिणानी के रूप में नजर आने वाली जानी मानी अभिनेत्री अनसुया भरद्वाज ने हर दिन के शूटिंग के लिए 2 लाख रुपए लिए।
बताया जा रहा है कि अभिनेता राव रमेश ने भूमल रेड्डी से दप्पा नायडू का किरदार निभाने के लिए 30 लाख रुपए लिए हैं। साथ ही बता दें कि मंगल श्रेणु की फिल्म में कॉमेडी रोल के लिए अभिनेता सुनील ने 1 करोड़ रुपए लिए और इनके अलावा मूवी के निर्देशक और लेखक सुकुमार ने 25 करोड़ रुपए की फीस ली। इस तरह में धाकड़ कलाकारों को फिल्म में लेने के लिए निर्माताओं ने करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही और मेकर्स की जेब से उतने पैसे गए हैं और उससे भी ज्यादा पैसे मेकर्स की जेब में ऑलरेडी आ चुके हैं। बता दें फिल्म का 2 पार्ट्स में बनाया गया है और इस फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें मेकर्स ने इन एक्टर्स को इनकी पहली फीस से ज्यादा पैसे देने का ऑफर रखा ताकि वो फिल्म को सम्मान कास्ट और थ्रिलर के साथ वापस ला सके। पुष्पा 2 की स्टोरी पुष्पा के आगे ही कंटिन्यू होगी, जैसे कि बाहुबली 2 में आपको हर सवाल का जवाब मिला था, वैसे ही पुष्पा 2 में भी आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बता दें पुष्पा 2 में IPS का रोल ज्यादा होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म के लीड हीरो या फिर हीरोइन को ही साइडलाइन कर दे, लेकिन हाँ तीनों को बराबर का स्क्रीन टाइम जरूर मिलेगा। तो आपको फिल्म कहाँ होगी पुष्पा 2 की शूटिंग, क्या है मारे 2 मिली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो गाइस, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन अपनी फेमस फिल्म पुष्पा को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन ट्रेलर में दिखाए गए जंगल के बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिसमें फिल्म का ज्यादातर शूट हुआ है। बता दें कि अल्लू अर्जुन ने यहाँ 30 दिनों के लंबे शेड्यूल के दौरान इस फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण सीन की शूटिंग की थी। इन 30 दिनों में फिल्म के फर्स्ट पार्ट की शूटिंग पूरी हो गई थी। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बता दें यह शूटिंग आंध्र प्रदेश में माए डूमिरी वन में की गई थी। हरे भरे ताड़ और बांस के पेड़ों से घिरा है ये जंगल। पर्यटन की दृष्टि से ये जगह ज्यादा लोकप्रिय नहीं है और इसी वजह से इस शहर में राज्य के सबसे विस्तृत और उत्तम वन्य जीव और पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसी शांति की वजह से यहाँ शूट करना आसान हुआ था। हालांकि इस वन के कुछ भाग में ही शूटिंग हो पाई थी, क्योंकि मेकर्स वन के जीव जंतु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। बता दें कि मारे डूमिली प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। स्वर्ण धारा और रंपा झरना मारे डूमिली में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आम के पेड़ों से घिरी यह जगह ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन है। इस जगह पर आपको चारों ओर मोरों का झुंड नजर आएगा। मारे डूमिली में कार्तिक वन क्षेत्र के खंड हरे भरे प्राकृतिक वनस्पतियों से परिपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति और औषधीय जड़ी बूटियों एवं पौधों से भरा हुआ है। औषधीय पौधों की 203 विभिन्न प्रजातियों में से यहाँ पर आंवले के पेड़ भी मौजूद हैं। संरक्षण क्षेत्र में औषधीय पौधों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक ये खुली प्रयोगशाला है, इसलिए ये काफी कड़ी सुरक्षा में भी रहता है। लाल चंदन की स्मगलिंग दिखाने के लिए इससे बेहतर जगह मेकर्स को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि फिल्म में एक जंगली लुक हरे भरे जंगल से ही आ सकता था। अब फिल्म पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना मुख्य एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी। दूसरी ओर फहाद फासिल इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाएंगे। नवीन येरनेनी और वाय रविशंकर द्वारा निर्मित यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले ही बनेगी। फिल्म लोगों की चर्चा का विषय बनी हुई है। पुष्पा 2 की शूटिंग एक बार फिर उन्हीं मारे डूमिली के जंगलों में होगी। मैत्री मूवी मेकर्स के निर्माता नवीन येरनेनी एंड वाय रविशंकर ने कहा है कि हमने फिल्म पुष्पा राज के लिए लोगों में अविश्वसनीय एक्साइटमेंट देखी है। हमारा लक्ष्य लोगों की उन अपेक्षाओं को पार करना है जो लोगों ने इस फिल्म से लगाई हुई हैं। हम जल्दी ही फिल्म पुष्पा के माध्यम से लोगों के उत्साह को देखना चाहते हैं। आप फिल्म के अगले पार्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें और सेफ रहें। द राइज का ये डायलॉग इसकी सफलता की पूरी कहानी बयां करता है। सुकुमार के निर्देशन में बनी साउथ सिनेमा की सुपरहिट अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सचमुच आग लगा दी है। इस फिल्म ने महज 10 दिनों के अंदर 200 करोड़ से अधिक की कमाई करके इतिहास कायम कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन को बॉक्स ऑफिस का नया बाहुबली बना दिया है। उनके मुकाबले हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म 83 और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी कमाई के मामले में बहुत पीछे रह गई है। फिल्म 83 भी पैन इंडिया रिलीज हुई है, लेकिन इसने पहले सप्ताह महज 47 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि पुष्पा ने इतने पैसे अपनी ओपनिंग डे पर ही कमा लिए थे।
फिल्म पुष्पा द राइज में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के अलावा नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, एक्टर फहाद फासिल, धनंजय राव, रमेश, सुनील, अनुसुईया, भारद्वाज और अजय घोष जैसे साउथ के कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। यदि स्टार कास्ट पर नजर डालें तो अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के बाद शायद ही कोई ऐसा एक्टर हो जिसे हिंदी फैंस के दर्शक पहचानते भी हों। इतना ही नहीं, इस फिल्म का प्रमोशन भी बहुत कम हुआ था, इसका बजट भी बहुत ज्यादा नहीं था। यहां तक कि रिलीज से पहले बहुत लोग जानते तक नहीं थे कि ऐसी कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। लेकिन अपने बेहतरीन कंटेंट, रोचक कहानी और सबके दमदार एक्टिंग के दम पर फिल्म सुपरहिट हो गई है। इस फिल्म ने हिंदी मार्केट में केवल 10 दिनों के अंदर 65 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज 17 दिसंबर को देश भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज हुई थी। उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की आंधी चल रही थी। इस फिल्म को पुष्पा से एक दिन पहले 16 दिसंबर को रिलीज किया गया था, लेकिन ओपनिंग डे पर ही बम्पर कलेक्शन के जरिए अपने मसूबे पेश कर दिए। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 33 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया, जो कि उससे पहले 5 नवंबर को रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के लिए एक जोरदार झटका था, क्योंकि सूर्यवंशी ने अपने रिलीज वाले वीकेंड पर 3 दिन के अंदर महज 28 करोड़ रुपए ही कलेक्ट किए थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 200 करोड़ रुपए तक ही हो पाया है। फिल्म सूर्यवंशी के मुकाबले महज 11 दिनों में स्पाइडरमैन नो वे होम ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन पुष्पा द राइज ने हॉलीवुड के इस मशहूर फ्रेंचाइजी फिल्म की भी हेकड़ी निकाल दी है, क्योंकि इस फिल्म ने हॉलीवुड फिल्म से भी कम दिनों में ही खुद को 200 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, फिल्म की कमाई की रफ्तार अभी भी तेज है। उम्मीद की जा रही है कि पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर सकती है। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो सकता है। कोरोना काल में रिलीज फिल्मों की हालत और कमाई पर नजर डालें तो ये किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। यदि फिल्म के डे वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो ओपनिंग डे शुक्रवार 47 करोड़, शनिवार 34 करोड़, रविवार 29 करोड़, सोमवार 20 करोड़, मंगलवार 15 करोड़, बुधवार 12 करोड़, गुरुवार 11 करोड़, दूसरे वीकेंड शुक्रवार 5 करोड़ रुपए, शनिवार 9 करोड़ रुपए और रविवार 10 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं यदि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 के डे वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने ओपनिंग डे शुक्रवार को 12 करोड़ रुपए, शनिवार को 16 करोड़ रुपए, रविवार को 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म ने पहले वीकेंड पर 47 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। देखा जाए तो पैन इंडिया रिलीज इस फिल्म को साउथ बॉक्स ऑफिस से बहुत ज्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में फिल्म कलेक्शन 2 करोड़ रुपए भी नहीं हो पाया। इसके विपरीत साउथ की फिल्में हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा कलेक्शन करती हैं। वहां की कमाई के आंकड़े इसलिए भी कम रहे क्योंकि पुष्पा पहले से सिनेमा में लगी हुई थी और लोगों में शायद क्षेत्रीय प्यार की भावना की मजबूती देखी गई है, जिसका असर सबसे ज्यादा 83 पर पड़ा। फिल्म क्रिटिक्स द्वारा बेहतरीन क्रिटिक्स मिलने के बावजूद कबीर खान के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की फिल्म 83 बहुत ज्यादा करामात नहीं दिखा पा रही है। इस फिल्म का स्लो कलेक्शन मेकर्स के लिए डीमोटिवेट करने वाला है, क्योंकि फिल्म का बजट ही 220 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। ऐसे में यदि फिल्म की कुल कमाई 300 करोड़ रुपए से अधिक की नहीं हुई तो फिल्म फ्लॉप मानी जाएगी। ताजा ट्रेंड देखने पर तो 300 आंकड़ा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जो राजा मौली की फिल्म RRR है। इन दिनों फिल्म के रिलीज के बाद ना सिर्फ फिल्म का स्क्रीन काउंट कम होगा बल्कि कमाई पर भी सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रणवीर की लुटिया दोनों ही गाने सुपर हिट रहे हैं अब तक? बलम सामे जो कि पुष्पा का गाना है और ऊ अटवा लगातार अगर आप रील्स खोलें, इंस्टाग्राम खोलें तो चारों तरफ यही गाना आपको सुनाई दे रहा होगा। एक्ट्रेस का ये डांस नंबर भी सुपर हिट साबित हुआ। लोगों ने एक्ट्रेस के डांस और उनके लुक्स की जमकर तारीफें की है। वही दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि अल्लू अर्जुन के साथ कोई बॉलीवुड सितारा आता है तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है ये
केमिस्ट्री देखने के लिए। वहीं आपको बता दें कि पुष्पा 2 की जो शूटिंग है वो सोच रहे हैं मेकर्स की 2 महीने बाद शुरू कर देंगे। अभी प्री प्रोडक्शन का वर्क चल रहा है और बाकी काम चल रहे, स्क्रिप्टिंग एकदम तैयार है, लेकिन ये एक्साइटमेंट भरा है कि भाई आखिर किस बॉलीवुड एक्टर की एंट्री होगी। आप किसे चाहते हैं पुष्पा 2 में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा द राइज, मतलब कि पार्ट 1, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने के बाद ये फिल्म सीधे अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने लगी। हालांकि देखा जाए तो फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में अवेलेबल है अमेज़न प्राइम वीडियो पर, लेकिन हिंदी में ये फिल्म अवेलेबल नहीं है। और दर्शक काफी टाइम से पूछ रहे थे कि ये फिल्म कब अमेज़न प्राइम वीडियो पर आएगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फिल्म पीवीआर में थिएटर में जाकर नहीं देखी। तो लोगों का है कि इसे हम अमेज़न प्राइम पर बैठकर देख सकते हैं। तो फाइनली इस सवाल का जवाब भी मिल गया। ये फिल्म फैंस को देखते हुए, उनके एक्साइटमेंट को देखते हुए इसी महीने 14 तारीख को यानी कि मकर संक्रांति के दिन फिल्म स्ट्रीम होगी। मकर संक्रांति के मौके पर पुष्पा त्योहार का मजा बढ़ाने आएगी। देखा जाए तो खबरों की माने तो फिल्म का सेकंड पार्ट भी 2 महीनों बाद शुरू होने वाला है। इस फिल्म में जहां अल्लू अर्जुन ने एक्ट किया था लॉरी ड्राइवर पुष्पा राज का, जहां वो शेषचलम के जंगलों में इस रोमांचक और जंगली सवारी के लिए तैयार होते हैं। आपको बता दें कि कमाई के लिहाज से कोरोना काल में भी पुष्पा ने बाकी कई हिंदी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। कमाल की कमाई कर दिखाई है पुष्पा ने। हिंदी दर्शकों के बीच पुष्पा को काफी पसंद किया गया है। पुष्पा द राइज में बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई को तेज तर्रार मनोरंजक कहानी के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पुलिस रेड चंदन की तस्करी के साम्राज्य पर कार्यवाही करती है जो इन हिस्सों में व्याप्त है। पुष्पा इस फिल्म में एक तरह से एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन फैंस के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि हीरो ग्रे के विभिन्न रंगों में नजर आ रहा है उन्हें। वेल, सभी एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को। और अगर आपने फिल्म नहीं देखी और इंतजार कर रहे हैं हिंदी का, तो बस कुछ ही दिन और बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। देख, क्या अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट 2 की शूटिंग 2 महीने बाद होगी शुरू? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। अमेज़न प्राइम वीडियो फिल्म प्रेमियों और अल्लू अर्जुन फैंस को मेगा ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर के रूप में अविस्मरणीय राइड पर ले जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पुष्पा द राइज पार्ट 1 अब तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग करने के लिए उपलब्ध है। फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर को हाईलाइट करने के लिए प्राइम वीडियो ने एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर रिलीज किया है, लेकिन इस वक्त खबर आ रही है कि इस फिल्म का अगला पार्ट यानी पुष्पा पार्ट 2 की शूटिंग 2 महीने के बाद शुरू कर दी जाएगी। दैनिक भास्कर की एक खबर में इसका दावा किया गया है। पुष्पा द राइज भाग 1, जो अब प्राइम वीडियो पर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में स्ट्रीम हो रही है, वो सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है और मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तम सेट्टी मीडिया द्वारा निर्मित है। तेलुगु एक्शन ड्रामा में रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी और इस फिल्म के साथ तेलुगु सिनेमा में प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता फहद फासिल अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को हर भाषा में काफी प्यार मिल रहा है। अल्लू अर्जुन के अलावा अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की भी काफी तारीफ ये फिल्म को लेकर हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। स्पाइडरमैन नो वे होम के सामने भारतीय फिल्म में पुष्पा ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। तो दोस्तों, आप भी देखिए आइकन ऑफ द साउथ व बहुप्रशंसित अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा के रूप में एक अंडरडॉग जो चंदन की तस्करी की दुनिया में उभर कर सामने आया। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा बंपर कमाई में जुटी है। फिल्म को रिलीज हुए 23 दिन पूरे हो चुके हैं, साथ ही फिल्म के 23वें दिन की कमाई के ताजा आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 23वें दिन भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म डायरेक्टेड बाय सुकुमार, जिसने बहुत अच्छी कमाई की है बिना किसी कॉम्पिटिशन के बीच। कोरोना काल में भी ये फिल्म अच्छी कमाई में जुटी है। फिल्म की कमाई के ताजे आंकड़े बेहद अच्छे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म पुष्पा अकेले हिंदी बॉक्स ऑफिस से 75 करोड़ यानी कि 75 करोड़ रुपए की कमाई के करीब पहुंच चुकी है। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श की ओर से जारी किए गए फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ये फिल्म आज ही 75 करोड़ रुपए आंकड़ा छूने जाने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना काल के बीच भी फिल्में
लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों की रेंज में कारोबार कर रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 23वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस से कुल 1,95,00,000 रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 74.44 करोड़ रुपए हो चुका है। बता दें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फाजिल स्टारर डायरेक्टेड बाय शिवकुमार की फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से 300 करोड़ रुपए चुकाने के करीब है, जबकि फिल्म वर्ल्ड वाइड लेवल पे 300 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। अब देश में यह आंकड़ा कितने दिनों में पूरा होगा, इस पर हर किसी की नजर लगी हुई है। जिन लोगों ने अभी तक पुष्पा नहीं देखी उनके लिए अच्छी खबर यह है कि यह फिल्म हिंदी लैंग्वेज को छोड़कर बाकी के सभी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 7 जनवरी को ही स्ट्रीम हुई। पहले इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में इसी दिन रिलीज होना था, मगर हिंदी बॉक्स ऑफिस से यह फिल्म अभी भी अच्छी कमाई कर रही है, जिसकी वजह से इसको Amazon प्राइम वीडियो पर अभी स्ट्रीम करने के लिए टाल दिया गया और हो सकता है कि कुछ दिनों में यह फिल्म हिंदी में भी Amazon पर स्ट्रीम करे। तो आपको कैसी लगी थी ये फिल्म और कैसे रहे आंकड़े फिल्म के, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जार। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा है उसने वाकई तहलका मचा दिया। अभी तो पार्ट वन रिलीज हुआ है और अभी दूसरे पार्ट का भी इंतजार बेसब्री से होने लगा है। इस फिल्म का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया है स्ट्रीमिंग और तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में ही अभी आप देख सकते हैं 7 जनवरी को 8 बजे इसे स्ट्रीम कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हिंदी दर्शकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और अभी तक अमेजन प्राइम ने कोई ट्वीट में इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 जनवरी तक इसे रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी थिएटर में चल रही है ये फिल्म, मांग काफी है, इसीलिए इसे अभी ओटीटी पर रिलीज नहीं किया जा रहा। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को पुष्पराज की भूमिका में देखा गया, जबकि रश्मिका एक्शन थ्रिलर में श्रीवल्ली के रूप में दिखाई दी। ये फिल्म आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र के शेष चलम पहाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। फिल्म में टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में एक्टर हैं, जिन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। ये फिल्म अब भी हिंदी भाषी राज्यों में शानदार कमाई कर रही है। दिल्ली में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ गया है, क्योंकि सिनेमाघरों को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। इस फिल्म ने अकेले हिंदी बेल्ट में 60 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। 17 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और फैंस ने बता दिया भाई कि अल्लू अगर थिएटर में आए तो थिएटर में गूंज और धमाके होने तो तय है। वाकई बहुत ज्यादा शानदार निकले हैं और जो उनके डायलॉग्स हैं, आजकल इंस्टा रील्स वायरल हो रही है उन डायलॉग्स में, जैसा कि वो बोलते हैं कि पुष्पा पुष्पराज छोड़ेगा नहीं साला, और साउथ में भी जिस तरह का उनका वर्जन है काफी काबिले तारीफ है। एक अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं और चारों तरफ अल्लू अर्जुन की गूंज है भाई। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है इस फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसे साउथ के सुपर डायरेक्टर सुकुमार को फैंस ने कैसे किया विश, कैसे बॉलीवुड से सीधे टक्कर ली सुकुमार ने, उनकी पुष्पा ने कैसे मचाया धमाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जार। दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत भले ही साउथ इंडियन फिल्म मास्टर की वजह से देश में डंका नहीं बजाए भाई, मतलब कि जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहां पर इसका सिक्का नहीं चला, लेकिन तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा पार्ट 1 ने उत्तर भारत में हंगामा मचा दिया, हिंदी फैंस में जोश जगा दिया और फिल्म निर्माता जो हिंदी के हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, जो कहानी के बजाय सिर्फ अब तक सितारों के पीछे भागते थे। फिल्म पुष्पा के निर्देशक सुकुमार बताते हैं कि दरअसल एक वेब सीरीज के सिलसिले में वो लाल चंदन की तस्करी पर रिसर्च कर रहे थे। दक्षिण भारत से जापान को होने वाली लाल चंदन की तस्करी के आंकड़ों ने उन्हें हैरान कर दिया और तब उन्हें लगा कि ये पृष्ठभूमि तो किसी फीचर फिल्म के लायक है। निर्देशक सुकुमार इससे पहले भी अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ 2 फिल्मों आर्या और आर्या 2 बना चुके हैं। वो कहते हैं अल्लू अर्जुन ने उत्तर भारत में अपना एक अलग दर्शक वर्ग बनाया है और ये दर्शक वर्ग उनकी हिंदी में डब होकर सैटेलाइट पर प्रसारित होने वाली फिल्मों के अलावा यूट्यूब पर भी मौजूद उनकी डब फिल्मों के लिए
बना है और हमेशा उन्हें देखता रहता है। इसी के चलते पहली बार अल्लू अर्जुन को बड़े पर्दे पर देखने का मोह उनके फैंस को भारी संख्या में थिएटर्स की ओर खींच ही लाया। सुकुमार का कहना सही भी है, फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के सामने जब हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सितारे को अपनी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं हुई तो अल्लू अर्जुन सामने आए और पुष्पा पार्ट 1 को भरोसे के साथ रिलीज किया। ये काम दोस्तों फिल्म बाहुबली को सुकुमार भी दक्षिण भारतीय सितारों की उत्तर भारत में डब फिल्मों के जरिए होने वाली पहुंच का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। और इस पर बातचीत करते उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा ये सब अब बीते दिनों की बातें हैं। अब समय भारतीय सिनेमा का है और फिल्म अगर अच्छी होगी, कहानी उसके दर्शकों को भाएगी तो उसकी मेकिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी और अब देश की हर भाषा की फिल्म हर भाषा के दर्शक को देखने को तैयार है। वहीं दोस्तों कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने दिखा कि किस तरह से ऑडियंस थिएटर से बच रही थी, लेकिन उन्होंने जब फिल्में बनाई तो हर कोई थिएटर की ओर खींचा चलाया। पुष्पा के हिंदी डब के बाद अब इंतजार है पुष्पा पार्ट 2 का और इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्ट 2 की तैयारी हम 2 महीने बाद कर देंगे, यानी कि शूट शुरू क्या शुरू होने जा रही है पुष्पा पार्ट 2 की शूटिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। दोस्तों अमेजन प्राइम वीडियो फिल्म प्रेमियों और अल्लू अर्जुन फैंस को मेगा ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर के रूप में अविस्मरणीय राइड पर ले जाने को तैयार है, क्योंकि पुष्पा द राइज पार्ट 1 अब तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर ली गई है। फिल्म के विश्वव्यापी प्रीमियर को चिन्हित करते हुए अब प्राइम वीडियो ने एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वो पार्ट 2 को लेकर है। और जब से पार्ट 1 देखा तभी से एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। आइकॉन ऑफ द साउथ और बहुप्रशंसित अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुष्पा के रूप में एक अंडरडॉग जो चंदन की तस्करी की दुनिया में उभर कर सामने आता है, इसकी कहानी है। पुष्पा द राइज भाग 1 जो अब प्राइम वीडियो में मौजूद है लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म काफी सुपरहिट रही। तेलुगु एक्शन ड्रामा में आपको रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है सेकेंड पार्ट में भी। और वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको दिखेगा। साथ ही आपको बता दें कि फहाद फासिल और अल्लू अर्जुन ने जो कहानी यहाँ पर छोड़ी है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको कितना वेट है पुष्पा पार्ट 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों अमेज़न ने बहुत बड़ी डील साइन की है पुष्पा फिल्म के मेकर्स के साथ। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा थिएटर पर धमाल मचा रही है, लेकिन साथ ही कोरोना के बढ़ते केसों के बावजूद अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और डायरेक्टर सुकुमार की पहली पैन इंडिया फिल्म को दर्शक भारी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिल्म के बढ़ते क्रेज के बीच मेकर्स इसे लेकर जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने वाले हैं। ये फिल्म आज यानी कि 7 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, जिसके लिए दर्शकों में भारी क्रेज देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच चर्चा छिड़ गई है कि आखिर ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ने कितने करोड़ में खरीदी है। सामने आ रही ताजा रिपोर्ट्स की माने तो OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली पुष्पा के लिए Amazon प्राइम वीडियो ने मोटी रकम खर्च की है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म की डील करीब करीब 22 करोड़ रुपए में तय हुई है। फिल्मी गलियारों में इस रकम को काफी बड़ा बताया जा रहा है, मगर अल्लू अर्जुन की फिल्म के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पुष्पा को मेकर्स ने बड़ी रकम में बेचा है। अब ये बड़ी रकम कितनी है इसके बारे में कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। वेल, आपको इसके बारे में क्या कहना है कि क्या अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 22 करोड़ के लायक थी सिर्फ? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। पुष्पा द रूल की कहानी, इस सीक्वल में कैसे अल्लू अर्जुन मचाएंगे धमाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। दोस्तों साउथ की सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज हाल ही में रिलीज हो चुकी है। हिंदी भाषा में भी इसे रिलीज किया गया, तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ। और पुष्पा यानी कि हमारे अल्लू अर्जुन ने ये दिखा दिया है कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है। इस बार पहली बार स्क्रीन पर हिंदी में उतरे और चारों तरफ तहलका मचा दिया। उनकी एक्टिंग से लेकर फिल्म की कहानी चारों तरफ हंगामा मचा रही है और हर जगह सिर्फ अल्लू अर्जुन की
की तारीफें सुनने को मिल रही है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म के निर्देशक सुकुमार ने ये पुष्टि की है कि उन्होंने पुष्पा के सीक्वल की स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है और इसे 17 दिसंबर 2022 को रिलीज किए जाने की योजना है, यानी कि पुष्पा द राइज के ठीक एक साल बाद, क्योंकि पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई, इसका दूसरा पार्ट एक साल बाद रिलीज कर दिया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो सुकुमार ने कहा कि हमने पुष्पा द रूल के 2 सीन शूट किए हैं, लेकिन अब वो उन्हें दोबारा शूट करना चाहते हैं। फिलहाल इस फिल्म के सीक्वल को लेकर कुछ भी शूट नहीं किया गया है, स्क्रिप्ट एकदम तैयार है और इसकी शूटिंग अगले साल फरवरी के आखिरी में कर देंगे शुरू। और साथ ही उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 2022 को रिलीज के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का पहला पार्ट ऐसे मोड़ पर खत्म हुआ है जिसे देखने के बाद दर्शकों के मन में ये जानने की उत्साह है कि आखिर पुष्पा और फहाद फासिल उर्फ शेखावत के बीच के झगड़े के बाद आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर सुकुमार आगे कहते हैं कि पुष्पा द रूल मुख्य रूप से अल्लू अर्जुन के किरदार पुष्पा के जीवन का एक निष्कर्ष, एक समापन होगा। ये पुष्पा और शेखावत के बीच का संघर्ष होगा। जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट की थी तो मुझे लगा कि पुष्पा 2 में बहुत दिलचस्प ड्रामा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वादा करते हैं कि वो किसी को भी निराश नहीं करेंगे और ऑडियंस को भी यही पता है, क्योंकि पुष्पा का जो पहला पार्ट है वो इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है और बेसब्री से इसके अगले पार्ट का इंतजार हो रहा है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मामले भी बॉलीवुड को पीछे छोड़ चुकी है पुष्पा, क्योंकि अब तक पूरे 20 दिन हो गए हैं रिलीज को और इस फिल्म ने 230 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर दिया है। जल्दी ये 250 के मार्क को छू लेगी, 250 करोड़ आसानी से कमा लेगी और इसी के साथ पुष्पा ने 83 को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा 2? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों साउथ फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे हुए अभी चंद ही साल हुए हैं। कम ही वक्त में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने कन्नड़ सिनेमा से बाहर आकर तमिल, तेलुगु और अब हिंदी लैंग्वेज लोगों का भी दिल जीत लिया। रश्मिका मंदाना ने कम वक्त में 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और हाल ही में पुष्पा रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा ने बम्पर कमाई करते हुए ऑल ओवर इंडिया में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी के साथ ये फिल्म एक्ट्रेस के करियर की पहली हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है। वहीं से पहले एक फिल्म आई थी सिलेरू नीके वारू, महेश बाबू स्टारर, जिसमें रश्मिका मंदाना भी थी। ये फिल्म तेलुगु फिल्म थी। फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 176 रुपए का कलेक्शन किया था। इससे पहले गीता गोविंदम, विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म रश्मिका मंदाना की ये फिल्म जिसने बम्पर कमाई की थी और अपने खाते में 112 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही थी। किरिक पार्टी, रश्मिका मंदाना की यह पहली कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी उनके करियर की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का खिताब मिला था। फिल्म ने कन्नड़ सिनेमा से 41 करोड़ रुपए बटोरे थे। देवदास, नागार्जुन स्टारर फिल्म देवदास भी सुपरहिट रही थी। फिल्म ने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 42 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। मतलब पुष्पा के साथ साथ रश्मिका मंदाना भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई और हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म में एक नाम जुड़ गया है जो 200 करोड़ फिल्म ने कमाई की, पुष्पा। वेल, आपको कैसी लगी थी फिल्म पुष्पा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू। केआरके ने क्यों ट्रोल किया पुष्पा राज को? क्यों नहीं पसंद आया केआरके को ट्रेलर और केआरके ने किसको कहा माल? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। एक्टर और थोड़े बहुत फेमस क्रिटिक कमाल आर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। एक और जहां के आर के अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में रहते हैं, तो वहीं दोस्तों उनके रिव्यूज भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में फिल्म सत्यमेव जयते 2 और बंटी और बबली 2 का उनका रिव्यू खूब चर्चा में था। ऐसे में अब उन्होंने स्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा द राइज के ट्रेलर का रिव्यू किया है। वहीं ट्रेलर में उन्होंने एक खास शब्द की वजह से बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह का भी जिक्र किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म में तो रश्मिका मंदाना है, फिर जिक्र बॉलीवुड एक्ट्रेस इसका क्यों? तो बता दें कि दरअसल हाल ही में केआरके ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया। इस रिव्यू वीडियो में केआरके ने कहा कि कहानी आगे बढ़ती है और हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, उसको बांधा हुआ है और कुछ लोग उसको बहुत जबरदस्त तरीके से पीट रहे हैं, फिर भी हीरो वो हंस रहा है। तो केआरके साहब, यही तो असली हीरो की पहचान है।
इसी के साथ केआरके ने आगे कहा कि यानी आपकी फिल्म है आप कुछ भी दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने अल्लू अर्जुन को अल्लू अर्जुन कहते हुए कहा उन्हें मेरे सामने आने को बोला जाए और मैं उन्हें उसी तरह बांधूंगा और वैसे ही मारूंगा। उसके बाद अगर चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने ना कहा कि भाई माफ कर दो छोड़ दो तो मेरा नाम आप बदल देना। इससे दोस्तों कमाल आर खान कहना चाहते थे कि फिल्म में वही दिखाइए जो रियल में हो सकता है। तो इस पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि कमाल खान की फिल्म में तो ऐसे एक्शन होते हैं और असली एक्टर तो वो है ही नहीं जो बिना किसी तकलीफ के एक्सप्रेशन को स्क्रीन पर लाए। लेकिन इसके बाद भी केआरके साहब रुके नहीं। इसके बाद दोस्तों केआरके ने कहा कि अपनी मर्जी से कुछ भी बनाने की कोशिश मत करिए क्योंकि आज की ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप उसको कुछ भी दिखा देंगे और बेवकूफ बना देंगे। बहुत सारे लोग अल्लू अर्जुन को पीट रहे हैं और बोल रहे हैं माल बता माल किधर है। ये सुनते ही कमाल खान को दीपिका सारा श्रद्धा और रकुल की याद आ गई कि माल लाओ माल लाओ माल लाओ और माल लाओ। केआरके साहब यहाँ लाल चंदन की बात हो रही थी आप तो गाड़ी को किसी और ट्रैक पर ही ले गए कि जब केआरके अपने किसी वीडियो या पोस्ट को लेकर चर्चा में है। कमाल आर खान अक्सर अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में रहते हैं और हाल ही में केआरके ने दावा किया था कि रणवीर सिंह के पिता ने YRF को 20 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वो उनके बेटे को लॉन्च करे। अब याद दिला दे कि रणवीर सिंह ने फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड डेब्यू किया था जो YRF के बैनर तले बनी थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको खुद रणवीर सिंह ही बता सकते हैं। वैसे भी दोस्तों अगर ये सच है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि इतने बड़े बैनर से लॉन्च होना बहुत ही बड़ी बात है और इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। लेकिन रणवीर खुद भी कम टैलेंटेड नहीं है। टैलेंट से याद आया कि अल्लू अर्जुन ने अपने टैलेंट से स्पैन इंडिया फिल्म में अपनी फिल्म बनाई है। तो दोस्तों ये फिल्म बस अब कुछ ही दिनों में रिलीज होने जा रही है। अब आप केआरके इसके बयान से कितने सहमत हैं? कैसे रही तेरा दिन की कमाई, कैसे पुष्पा बराबर हुई रोबोट 2.0 और साहो के, क्या अरविंद केजरीवाल बनेंगे पुष्पा का ग्रहण? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। अपने फैंस के बीच आइकन स्टार के नाम से मशहूर एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने हिंदी में डब फिल्मों की कमाई के मामले में KGF का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। KGF 1 हिंदी डब्ड के कुल 44.09 करोड़ रुपए की कमाई की थी जबकि फिल्म पुष्पा पार्ट 1 ने रिलीज के 13वें दिन ही 45.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये फिल्म अब भी हिंदी भाषी राज्यों में शानदार कमाई कर रही है और आने वाले दिनों में इसके सिनेमाघर और बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिल्म को हिंदी में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली की सरकार ने सिनेमाघरों को पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। फिल्म संगठनों ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं उन लोगों को सिनेमाघरों में उसी तरह फिल्में देखने की अनुमति दें जैसे रेस्टोरेंट या फ्लाइट्स के लिए लोगों को मिली हुई है। फिल्म पुष्पा पार्ट 1 की कमाई का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लंबे अरसे तक सेटमैक्स चैनल और यूट्यूब पर अल्लू अर्जुन की डब फिल्में देखते रहे हिंदी फैंस को उनकी फिल्म थिएटर में हिंदी में पहली बार देखने को मिली है। दिल्ली में सिनेमाघरों को बंद होने के पहले तक तमाम सिनेमाघरों में इस फिल्म की टिकटें ब्लैक तक बिकती हुई देखी गई हैं। फिल्म के निर्देशक सुकुमार भी मानते हैं कि ये लोगों का अल्लू अर्जुन के लिए बरसों से दबा हुआ प्यार है जो उनको सिनेमा घर के बड़े पर्दे पर देखने के लिए न जाने कब से बेताब रहा। फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की डीजे और सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी फिल्में सैटेलाइट चैनल पर हिंदी में डब होने के बाद तब रिलीज हुई तो इन्होंने TRP के नए रिकॉर्ड बनाए थे। अब उनकी नई फिल्म पुष्पा पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म तेजी से हिंदी फैंस में 50 करोड़ रुपए का कारोबार करने की तरफ आगे बढ़ रही है। फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन 45.5 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ और इसी के साथ इसने फिल्म KGF का हिंदी फैंस में 44.09 करोड़ रुपए की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन किसी दक्षिण भारतीय फिल्म का हिंदी में डब होकर सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अब भी बाहुबली द कंक्लूजन के पास है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 510.99 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे नंबर पर अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 है जिसने 189.55 करोड़ रुपए कमाए। प्रभास की फिल्म साहो 142.95 करोड़ रुपए की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है बाहुबली द बिगिनिंग जिसने 118.7 करोड़ रुपए की कमाई अपने हिंदी डब से की थी।
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर अब तक KGF चैप्टर 1 अपनी 44.09 करोड़ रुपए की कमाई के साथ थी, लेकिन फिल्म पुष्पा पार्ट 1 ने अब इसे यहां से हटाकर टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली के सिनेमा बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा पुष्पा की कमाई पर, या ये टॉप 5 से टॉप 1 पर पहुंचेगी? अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने बनाया कौन सा रिकॉर्ड? क्या टॉलीवुड इंडस्ट्री बनी देश की नंबर वन इंडस्ट्री? बॉलीवुड खिसका किस नंबर पर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा इस वक्त देश भर में धूम मचा रही है। इस फिल्म को सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि नॉर्थ बेल्ट में भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं कामयाबी के, और वर्ल्ड वाइड भी ये अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार और निर्देशक सुकुमार की फिल्म पुष्पा की तारीफ हर जगह हो रही है। यही नहीं, इस फिल्म के साथ ही टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने साल 2021 में कोरोना काल के बीच एक और बड़ी हिट फिल्म दे दी है। पुष्पा से पहले इस साल टॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री ने वकील साहब, क्रैक, उपेन्ना और अखन्ना जैसी हिट फिल्में दी, जबकि तमिल सिनेमा में मास्टर जैसी फिल्में सुपर हिट रही। और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो 2021 में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने वर्ल्ड वाइड स्तर पर कुल मिलाकर करीब 1300 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके साथ ही ये देश की नंबर वन सिनेमा इंडस्ट्री बन चुकी है, जबकि कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर है। कॉलीवुड में धनुष स्टारर असुरन, कर्णन, मास्टर, जय भीम जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री माने जाने वाले बॉलीवुड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है। आंध्र प्रदेश बॉक्स ऑफिस सोशल मीडिया हैंडल के मुताबिक साल 2021 में बॉलीवुड तीसरे नंबर पर आका गया है क्योंकि इसने कुल 700 करोड़ की कमाई की है। देखा जाए तो 2021 में बॉलीवुड को अक्षय कुमार स्टारर, निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी के जरिए कुल मिलाकर एक सुपरहिट फिल्म मिली, जबकि अंतिम, सत्यमेव जयते 2, चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी बड़ी फिल्में थिएटर में कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। लंबे इंतजार के बाद थिएटर पहुंची रणवीर सिंह की 83 को भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। कोरोना की मार हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा पड़ी है, ऐसे में ये आंकड़े जरूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, कौन सी इंडस्ट्री की फिल्में आप क्या कहना है अल्लू अर्जुन का अपनी फिल्म के बारे में? सक्सेस ने किया पुष्पा की कास्ट को खुश। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन अपने लुक्स और स्टाइल से लाखों लोगों के दिल पर राज करते हैं। उनकी हर फिल्म को लेकर फैंस के बीच उनके स्टाइल को लेकर जरूर उत्सुकता रहती है। अल्लू अर्जुन अपने फैंस की इसी एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए अपनी फिल्मों में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसे उनके फैंस भी बहुत खूब पसंद करते हैं। अल्लू अर्जुन अपनी हर फिल्म में अपने लुक्स और स्टाइल पर खासा मेहनत करते हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्म के साथ साथ उनके लुक्स पर भी लोगों की नजर रहती है। तो दोस्तों, अब उनकी लेटेस्ट फिल्म पुष्पा में उनके एक नए और खतरनाक लुक को लगता है साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऑडियंस ने पसंद किया है, और इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं पुष्पा फिल्म की बॉक्स ऑफिस अर्निंग से। इस फिल्म ने न केवल देश भर की ऑडियंस को खुश किया है बल्कि दोस्तों, फिल्म के कलेक्शन ने पुष्पा फिल्म की कास्ट को अपनी सक्सेस से भी खुश कर दिया है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द राइज पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ सरप्राइजिंग कलेक्शन किया है, खासकर इसके हिंदी वर्जन ने। हाल ही में रिलीज होने के बाद फिल्म ने अपने पहले सोमवार को और अधिक कमाई की, जो कि सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों के लिए भी काफी अलग न्यूज है। इस सुकुमार डायरेक्टेड फिल्म की सफलता के बारे में अल्लू अर्जुन बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वो काफी खुश हैं कि कैसे उनकी फिल्म ने टिकट विंडो पर कमाल कर दिया, और यहाँ तक कि कोविड के समय में भी दर्शकों का मनोरंजन किया है। अल्लू ने फिल्म के शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्रेडिट इंडियन मल्टी जॉनर फॉर्मेट को दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पसंद है कि कैसे अधिकांश भारतीय फिल्में दर्शकों को एक स्पेशल पार्ट से खुश नहीं करती हैं, और वैसे ही वो हर तरह के फैंस के लिए कंप्लीट पैकेज की फिल्म पुष्पा लेकर आए हैं। अल्लू ने पुष्पा फिल्म के सक्सेस के बारे में ये भी कहा कि ये इंडियन मल्टी जॉनर फॉर्मेट सॉन्ग्स, फाइटिंग सीन्स, ड्रामा, लव स्टोरी और ह्यूमर है। एक इंडियन फिल्म एक मल्टी जॉनर फिल्म है। आप किसी भी बाहर की फिल्म को ले लीजिए और आप ये देखेंगे कि वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनाई जाती है। या तो वहाँ की फिल्में हॉरर होंगी या फिर कॉमेडी,
या फिर थ्रिलर। ऐसे में पुष्पा फिल्म को ऑडियंस ने तो काफी पसंद किया है और हम तो इस फिल्म में कैटरीना और अनुप्रिया की टक्कर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। और क्यों रिलीज हुई 2-5 में फिल्म, कहाँ होगी पुष्पा 2 की शूटिंग, कब आएगी पुष्पा ओटीटी पर? हेलो वन, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, दिस इज योर होस्ट पलक एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विदाउट एनी डिले। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा थिएटर्स पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म को हिंदी फैंस से भी भरपूर प्यार मिला, जिसके बाद अल्लू अर्जुन स्टारर रश्मिका मंदाना स्टारर निर्देशक सुकुमार की फिल्म पुष्पा हिंदी बॉक्स ऑफिस पे भी बम्पर कमाई कर चुकी है। कोरोना के दौर में सिनेमा घरों पहुंची अल्लू अर्जुन की फिल्म ने सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस से ही 11 दिनों में करीब 50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से ये फिल्म करीब 200 करोड़ रुपए हासिल कर चुकी है। दिलचस्प बात ये है कि अब ये फिल्म ओटीटी पर रुख कर रही है। बता दें ये फिल्म नए साल के मौके पर जनवरी महीने में डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon Prime Videos पर स्ट्रीम की जाएगी। अब इसी के साथ जो फिल्म के फैंस कोरोना की वजह से थिएटर नहीं पहुंच पाए थे, वो घर बैठे इस फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। इस खबर के बाद से ही लोग कयास लगा रहे हैं कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ये फिल्म Amazon Prime Videos पर भी बड़ा धमाका करेगी। आप इसे अल्लू अर्जुन की तरफ से एक नए साल का तोहफा समझ सकते हैं। बता दें कि अल्लू अर्जुन की सभी हिंदी डब्ड फिल्म YouTube पर भी शानदार रिस्पॉन्स देती है। इन फिल्मों को मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं और यही वजह है कि अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा के साथ हिंदी लैंग्वेज में भी कदम रखा। इसी के साथ ये अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और सुकुमार की पहली पैन इंडियन फिल्म होगी और हिंदी डब फिल्मों में अल्लू अर्जुन की धारदार एक्टिंग देखते हुए साउथ एक्टर पहले ही नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि ये फिल्म ओटीटी पर भी दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाली है। लेकिन एंटरटेनमेंट यहाँ ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिल्म जब तक ओटीटी पर अपने पैर परोसेगी उसके बाद पुष्पा 2 की खबरें जोर पकड़ लेंगी। क्योंकि जैसा ही हमें पता चल रहा है, पुष्पा को 2 पार्ट में बनाया गया है और अभी तो सिर्फ एक ही पार्ट ने दुनिया हिलाई है, तो आने वाले पार्ट की भी कुछ ऐसी ही खबरें आएंगी। फिल्म को 2 पार्ट में लाने का यही मकसद था कि पहले पार्ट की हाइप को नापा जा सके। इससे दूसरी फिल्म के बजट और आगे की कहानी को बनाने में काफी ज्यादा मदद होने वाली है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं KGF 2 और बाहुबली, जिसने इंडस्ट्री में अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। बता दें कि पुष्पा 2 की शूटिंग अप्रैल मई से शुरू की जाएगी, जो ज्यादातर हैदराबाद के रामोजी स्टूडियोज में की जाएगी, क्योंकि जंगल के जितने भी सीन्स शूट होते हैं वो पहले पार्ट के दौरान शूट कर लिए गए। अब इस पार्ट में फहद फासिल का रोल ज्यादा होने वाला है, इसलिए उनकी शूटिंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि पहले पार्ट के दौरान उनकी बहुत कम शूटिंग हुई थी। पुष्पा का दूसरा पार्ट 17 दिसंबर 2022 तक स्क्रीन पर आ जाएगा। तब आपको इससे जुड़ी जानकारी से ही काम चलाना होगा, जो मिलेगी सिर्फ बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अल्लू अर्जुन कैसे करेंगे 50 करोड़ का माइलस्टोन हासिल? कैसे दी पुष्पा ने सभी फिल्मों को टक्कर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। हालांकि ऐसा कहना अभी थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा के हिंदी वर्जन को कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे कि कुछ साल पहले प्रभास और राजा मौली की आइकॉनिक फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग को उस समय मिली थी। असलियत में दिन ब दिन पुष्पा का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो काफी हद तक बाहुबली जैसा ही है, लेकिन इकलौता अंतर ये है कि पुष्पा फिल्म का कलेक्शन SS राजामौली की क्लासिक से आधा हुआ है। फिर भी ये उसके बाद सबसे अच्छा कलेक्शन पुष्पा को ही मिल रहा है। और अगर देश भर में एक साउथ फिल्म के डब कलेक्शन की बात आती है तो ये असलियत में काफी रिमार्केबल है। इस बात का पता हमें इस फैक्ट से पता चलता है कि अल्लू अर्जुन स्टारर को दूसरा सोमवार का कलेक्शन 2.75 करोड़ था, जो कि दूसरे शुक्रवार के 2.31 करोड़ के कलेक्शन से भी ज्यादा है। अगर फिल्म के ऐसे कलेक्शन के पीछे की वजह देखी जाए तो हाँ, एक वजह यह भी हो सकती है कि आजकल फेस्टिवल्स का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कोई छुट्टी नहीं है। इसके अलावा जब दुनिया सोच रही है कि क्या ओमिक्रॉन का डर सच में है, तो ये एक ऐसी फिल्म आती है जो रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर रही है। अब तक फिल्म ने 39.95 करोड़ का कलेक्शन किया है और 50 करोड़ मील का पत्थर कम समय में पार कर लिया जाएगा। हाँ, फिल्म से सबको उम्मीदें अब बड़ी हैं और फिल्म का कलेक्शन टोटल 60 करोड़ भी पॉसिबल है। अब विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि फिल्म अच्छी सफलता हासिल कर रही है। बॉलीवुड के लिए पुष्पा द राइज एक सरप्राइज के तौर पर उभरी है।
ये उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी कि बिना किसी शोर शराबे के आई पुष्पा हिंदी ऑडियंस के बीच इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेगी, वो भी तब जब अल्लू अर्जुन की ये पहली फिल्म है जो तेलुगु के साथ हिंदी में भी बड़े पैमाने पर रिलीज की गई। यहां तक कि पुष्पा ने मार्वल की स्पाइडरमैन नो वे होम तक का सामना कर लिया और बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे कि दीपिका और रणवीर की फिल्म 83 तक को मात दे दी है। सबको ही रणवीर की 83 फिल्म से काफी उम्मीदें थी, लेकिन लगता है कि अल्लू के सामने उनका जादू फीका पड़ गया। 83 का नुकसान स्पाइडरमैन और पुष्पा का लाभ है, क्योंकि दोनों फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब हम तो इस फिल्म में संजय के किरदार को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए। पुष्पा 2 का विलेन क्या कहा फहद फासिल ने लुक को लेकर। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, दिस इज योर होस्ट पलक एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। करण जौहर निर्मित फिल्म अग्निपथ काफी हिट रही थी। फिल्म के जबरदस्त प्रमोशन के चलते फिल्म को ओपनिंग जबरदस्त मिली थी, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रियाओं से तो लगता है कि फिल्म औसत ही है। अब फिल्म में ऋतिक से ज्यादा लोगों को फिल्म का खलनायक कांचा चीना अच्छा लगा था, जिसे जिया था संजय दत्त ने। ऐसा ही हाल ही में हुई रिलीज पुष्पा के साथ भी हुआ, लेकिन फर्क ये है कि इसका प्रमोशन भी बहुत कम ही हुआ था, लेकिन फिर भी ये फिल्म हिट रही और एक तरह से पुष्पा ने अपने हिट से फिल्म में के प्रमोशन वाले मिथ को खत्म कर दिया कि अगर प्रमोशन अच्छा किया जाए तभी फिल्म हिट होगी। इस पर पुष्पा मेकर्स का बड़ा तमाचा है फिल्म के कंटेंट का, और होना भी उतना जरूरी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे
कि इससे करण जौहर की फिल्म अग्निपथ का क्या कनेक्शन। तो अगर आपने अभी तक इस पर गौर नहीं किया तो आपसे एक सवाल है, क्या पुष्पा का वलन आपको अग्निपथ के कांचा चीना जैसा नहीं लगता। बता दें बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक संजू बाबा ने इस रोल को जीने के लिए अपने पूरे शरीर को शेव किया था। 30 साल से ज्यादा के करियर में ये पहली बार था कि संजय ने अपना सिर मुड़वा लिया था। फिल्म की यूनिट ने बताया था कि आईब्रो और आईलैश को छोड़कर संजय दत्त ने पूरी बॉडी पर रेजर चलवाया था। और ऐसा ही कुछ हुआ है पुष्पा 2 के विलन आईपीएस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत के साथ। बता दें फहद फसल का किरदार अग्निपथ के कांचा से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इस रोल की मांग थी कि फहद फसल स्क्रीन पर डरावने लगे और कांचा नहीं तो ये सारे ही रिकॉर्ड तोड़ रखे। दरअसल मीकल्स इस किरदार को संजू के किरदार की तरह अमर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लुक फहाद को दिया। फहाद ने बताया था कि फिल्म के विलेन को ऐसी की बीमारी हो जाएगी जिसके चलते उसके शरीर के सारे बाल चले जाते हैं। इसी सोच को पर्दे पर दिखाने के लिए उन्होंने पूरी बॉडी में शेव करा दिया। अब देखते हैं लोगों को संजू से इंस्पायर्ड फहाद फसल का ये अवतार आपको कितना पसंद आता है। बता दें साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा पार्ट 2 के मेन विलेन का दमदार फर्स्ट लुक निर्माताओं ने बहुत पहले ही रिलीज कर दिया था। रिलीज किए गए लुक में मलयालम फिल्मों के लीडिंग स्टार फहद फासिल बेहद खूंखार लुक में दिख रहे हैं। नेशनल अवार्ड विनर स्टार फहद फासिल इस फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो दिखने में ही बेहद क्रूर नजर आ रहे हैं। फहद फासिल का गंजा लुक फैंस के पसीने छुड़ा दे रहा है। फैंस को फहद फासिल का ये लुक काफी खतरनाक लग रहा है। इस फिल्म में फहद फासिल और अल्लू अर्जुन की दमदार टक्कर दिखने वाली है। निर्देशक सुकुमार के डायरेक्शन में बन रही अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना और फहद फासिल की ये फिल्म इस टीम की पहली पैन इंडिया रिलीज है, जिसे मेकर्स ने बड़े स्तर पर बनाया है। फिल्म को निर्माता निर्देशक केजीएफ और बाहुबली जैसे दो पार्ट में बनाया है, जिसका पहला पार्ट 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हो गया था और दूसरा पार्ट 17 दिसंबर 2022 को रिलीज होगा। बता दें फिल्म के दोनों पार्ट का संगीत देवी प्रसाद सिंह ने दिया है। फहद फासिल के लुक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। अलविदा। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों एक्शन ड्रामा डांस या कॉमेडी कहें, अल्लू अर्जुन टैलेंट का पिटारा है। ऐसा ही एक उदाहरण उनके द्वारा हालिया ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज में देखने को मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देश भर में नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म में लीड रोल में अल्लू अर्जुन है और उन्होंने अपने दमदार डायलॉग्स डांस से सबको दीवाना बना दिया और यही दीवानगी अब तक बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म का कलेक्शन जबरदस्त है और यही वजह है कि जो भी इसके प्रोड्यूसर हैं उनको लगा कि फिल्म की रिलीज डेट जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर है उसे आगे बढ़ा दिया जाए। मूल रूप से तेलुगु में बनी इस फिल्म के मलयालम, तमिल, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में डब वर्जन है। अल्लू अर्जुन एक मेगा स्टारर और पूरे देश में लोकप्रिय हैं। अल्लू अर्जुन का विशाल फैंडम अब हिंदी भाषी राज्यों में भी अपनी जगह बना रहा है, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के हिंदी वर्जन की रिलीज की तारीख बदल दी है, यानी कि डेट बदल दी, जबकि सभी लैंग्वेज यानी कि बाकी की जितनी भी लैंग्वेज है वो अमेज़न प्राइम पर ऑलरेडी उपलब्ध हो चुकी है। खबरें कि हिंदी में ये फिल्म रिलीज होगी 14 जनवरी को यानी कि आज। और ये देखते हुए कि हिंदी वर्जन पहले ही 80 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुका है, पुष्पा द राइज के प्रोड्यूसर ने अमेज़न प्राइम वीडियो से अपने प्लेटफॉर्म पर वास्तविक रिलीज के एक सप्ताह के बाद हिंदी डब वर्जन की तारीख को आगे करने का अनुरोध करने का फैसला किया। मेगा स्टार की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी बाजार में किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म का सबसे बड़ा डेब्यू है। फिल्म को सिनेमाघरों में 17 दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया था, जबकि हिंदी वर्जन की स्ट्रीमिंग 14 जनवरी 2022 से शुरू होगी। वेल, इसका फायदा ये होने वाला है कि जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और वैसे भी फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पे कमाल की प्रदर्शन कर ही रही है। 80 करोड़ फिल्म ने कोविड के इस बीच निकाला, मतलब कमाल की है फिल्म। आपने फिल्म देखी या नहीं, कैसी लगी आपको फिल्म, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू। कैसा रहा पुष्पा का फर्स्ट डे कलेक्शन, कैसे लुढ़का स्पाइडरमैन का ग्राफ,
हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। स्पाइडरमैन नो वे होम बॉक्स ऑफिस पर सुनामी की तरह आई है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही जो कारनामे किए उसका कोई जवाब नहीं। एडवांस बुकिंग में ही फिल्म के कई शोज हाउसफुल हो गए। टिकटॉक की भयानक मारामारी तक देखने को मिली थी। साफ था कि मार्वल स्टूडियोज की स्पाइडरमैन नो वे होम पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग करने में कामयाब हुई। इसके साथ ही पुष्पा ने भी ओपनिंग डे पर लगभग 3 करोड़ की कमाई की, जिसका सीधा असर स्पाइडरमैन नो वे होम की कमाई पर पड़ा है। क्योंकि जहां पहले दिन स्पाइडरमैन नो वे होम ने 32 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन पुष्पा ने इसकी कमाई को कम करके 20 करोड़ कर दिया। सीधा सीधा स्पाइडरमैन का ग्राफ लुढ़क कर 10 करोड़ रुपए नीचे आ गया। ये फिल्म देश भर में करीब 3,264 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। देश में ये स्क्रीन हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु वर्जन को मिलाकर है। सिनेमा में दर्शकों की लिमिट क्षमता 50% है। बावजूद फिल्म पुष्पा ने पहले दिन 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है, जो बेशक स्पाइडरमैन से कम है लेकिन खुद में काबिले तारीफ है, क्योंकि इसने स्पाइडरमैन के जो 10 करोड़ का नुकसान कराया है वो भी पुष्पा के सफलता के खाते में ही किया जाएगा। पुष्पा का फर्स्ट डे कलेक्शन बाहुबली की फर्स्ट डे कलेक्शन के आसपास है। दोनों ही पैन इंडिया रिलीज है, लेकिन साथ ही स्पाइडरमैन नो वे होम ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कलेक्शन की है। इससे पहले अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने पहले दिन 26.29 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। हालांकि सूर्यवंशी करीब 4500 स्क्रीन्स पर आई थी। स्पाइडरमैन नो वे होम के पहले दिन के कलेक्शन से सबसे ज्यादा खुशी एसएस राजामौली को हो रही होगी, क्योंकि राजामौली पीरियड एक्शन ड्रामा RRR भी बड़े स्केल पर बनी है और 2022 में 7 जनवरी को रिलीज होगी। साथ ही पुष्पा और राजामौली की RRR दोनों ही पैन इंडिया फिल्म है। स्पाइडरमैन के 10 करोड़ का नुकसान कराने के बाद पुष्पा आगे कितने करोड़ की कमाई करती है देखने लायक होगा। कहां होगी पुष्पा 2 की शूटिंग? क्या है मारी ढूमिली? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो गाइस, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन अपनी फेमस फिल्म पुष्पा को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन ट्रेलर में दिखाए गए जंगल के बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिसमें फिल्म का ज्यादातर शूट हुआ है। बता दें कि अल्लू अर्जुन ने यहाँ 30 दिनों के लंबे शेड्यूल के दौरान इस फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण सीन की शूटिंग की थी। इन 30 दिनों में फिल्म के फर्स्ट पार्ट की शूटिंग पूरी हो गई थी। फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बता दें यह शूटिंग आंध्र प्रदेश में मारी डूमिली वन में की गई थी। हरे भरे ताड़ और बांस के पेड़ों से घिरा है ये जंगल। पर्यटन की दृष्टि से ये जगह ज्यादा लोकप्रिय नहीं है और इसी वजह से इस शहर में राज्य के सबसे विस्तृत और उत्तम वन्य जीव और पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसी शांति की वजह से यहाँ शूट करना आसान हुआ था। हालांकि इस वन के कुछ भाग में ही शूटिंग हो पाई थी, क्योंकि मेकर्स वन के जीव जंतु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। बता दें कि मारी ढूमिली प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। स्वर्ण धारा और रंपा झरना मारी ढूमिली में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आम के पेड़ों से घिरी यह जगह ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन है। इस जगह पर आपको चारों ओर मोरों का झुंड नजर आएगा। मारे डूमिली में कार्तिक वन क्षेत्र के खंड हरे भरे प्राकृतिक वनस्पतियों से परिपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति और औषधीय जड़ी बूटियों एवं पौधों से भरा हुआ है। औषधीय पौधों की 203 विभिन्न प्रजातियों में से यहाँ पर आंवले के पेड़ भी मौजूद हैं। संरक्षण क्षेत्र में औषधीय पौधों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक ये खुली प्रयोगशाला है, इसलिए ये काफी कड़ी सुरक्षा में भी रहता है। लाल चंदन की स्मगलिंग दिखाने के लिए इससे बेहतर जगह मेकर्स को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि फिल्म में एक जंगली लुक हरे भरे जंगल से ही आ सकता था। अब फिल्म पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना मुख्य एक्ट्रेस के रूप में नजर आएंगी। दूसरी ओर फहाद फासिल इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाएंगे। नवीन येरनेनी और वाय रविशंकर द्वारा निर्मित यह फिल्म मैत्री मूवी मेकर्स के बैनर तले ही बनेगी। फिल्म लोगों की चर्चा का विषय बनी हुई है। पुष्पा 2 की शूटिंग एक बार फिर उन्हीं मारी ढूमिली के जंगलों में होगी। मैत्री मूवी मेकर्स के निर्माता नवीन येरनेनी एंड वाय रविशंकर ने कहा है कि हमने फिल्म पुष्पा राज के लिए लोगों में अविश्वसनीय एक्साइटमेंट देखी है। हमारा लक्ष्य लोगों की उन अपेक्षाओं को पार करना है जो लोगों ने इस फिल्म से लगाई हुई हैं। हम जल्दी ही फिल्म पुष्पा के माध्यम से लोगों के उत्साह को देखना चाहते हैं। आप फिल्म के अगले पार्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। घबरा
घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? पुष्पा आपको किस दिन देखने को मिल सकती है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जार। दोस्तों, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की जो पुष्पा है उसने वाकई तहलका मचा दिया। अभी तो पार्ट वन रिलीज हुआ है और अभी दूसरे पार्ट का भी इंतजार बेसब्री से होने लगा है। इस फिल्म का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया है स्ट्रीमिंग और तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में ही अभी आप देख सकते हैं। 7 जनवरी को 8 बजे इसे स्ट्रीम कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हिंदी दर्शकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा और अभी तक अमेजन प्राइम ने कोई ट्वीट में इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 जनवरी तक इसे रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी थिएटर में चल रही है ये फिल्म, मांग काफी है, इसीलिए इसे अभी ओटीटी पर रिलीज नहीं किया जा रहा। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को पुष्पराज की भूमिका में देखा गया, जबकि रश्मिका एक्शन थ्रिलर में श्रीवल्ली के रूप में दिखाई दी। ये फिल्म आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र के शेष चलम पहाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। फिल्म में टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में एक्टर हैं, जिन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। ये फिल्म अब भी हिंदी भाषी राज्यों में शानदार कमाई कर रही है। दिल्ली में थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ गया है, क्योंकि सिनेमाघरों को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। इस फिल्म ने अकेले हिंदी बेल्ट में 60 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। 17 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और फैंस ने बता दिया भाई कि अल्लू अगर थिएटर में आए तो थिएटर में गूंज और धमाके होने तो तय है। वाकई बहुत ज्यादा शानदार निकले हैं और जो उनके डायलॉग्स हैं, आजकल इंस्टा रील्स वायरल हो रही है उन डायलॉग्स में, जैसा कि वो बोलते हैं कि पुष्पा पुष्पराज छोड़ेगा नहीं साला, और साउथ में भी जिस तरह का उनका वर्जन है काफी काबिले तारीफ है। एक अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं और चारों तरफ अल्लू अर्जुन की गूंज है भाई। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या?
कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में। उसको समझता क्या? कब रिलीज होने जा रही है अल्लू अर्जुन की पुष्पा? आखिर रिलीज से पहले किसने इसे देख लिया है? क्या वाकई ये केजीएफ को टक्कर देने को तैयार है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, पुष्पा के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ की सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजीएफ को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें, ये एक्टर है मुची बाबू। इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी दिया था। मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 केजीएफ के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। मुची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात केजीएफ की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं। क्योंकि केजीएफ के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना केजीएफ से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो है वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि केजीएफ का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो केजीएफ है, तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये केजीएफ को टक्कर दे पाएगी। साउथ के 2 बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया है केजीएफ का, जो कि धांसू है। तो कांटे की टक्कर होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का और क्या लगता है अगर पुष्पा और के रश्मिका मंदाना से क्यों हुई ऑडियंस खफा? क्यों रश्मिका मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्स का निशाने पर खड़ा कर दिया गया है? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। पुष्पा इंडिया की अपकमिंग पैन इंडिया बजट फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लिए ऑडियंस बेहद ही एक्साइटेड है। एक तो बाहुबली और केजीएफ के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ऑन एंटरटेनमेंट की सौगात मिलने वाली है। ऊपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन है। इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश द क्यूटी रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल 7वें आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खतरा बन सकती है, तो क्या है वो? दरअसल कुछ साल पहले जब रश्मिका के करियर उड़ान के लिए पंख फैला ही रहा था तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ऑफ का नाम पूछा गया। काफी झिझकते हुए उन्होंने नाम लिया केजीएफ एक्टर रॉकिंग स्टार यश का। फिर क्या था, यश की फैंडम ने भारी मात्रा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया। उनके इसके नाम से पूरे मीडिया को हिलाकर रख दिया। आखिर में हार कर खुद रश्मिका ने यश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने फैंस से ये सब तुरंत रोकने को कहा था। उन्होंने कहा कि वो रश्मिका एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियंस रखने की पूरी आजादी है, इसके उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मिका को उनके नाम पर हैरेस करे। ये सब कहा केजीएफ स्टारर यश ने। आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन अब जब रश्मिका और यश दोनों ही स्टारडम की ऊंचाइयों पर है तो अक्सर उनसे जुड़ी खबरें यूं ही सरफेस पर आती रहती है। ऐसे में कई अतीत में रश्मिका के मुंह से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे। वैसे भी आजकल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पड़ने का ट्रेंड चल रहा है।
खैर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर डाल सकता है ये फिर फिल्म बिना चुका है। और एक साउथ के सुपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये KGF को टक्कर देगी, वो भी करारी वाली। आपको बता दें ये एक्टर है बुच्ची बाबू, इन्होंने सुपरहिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइमलाइट हासिल की थी और बॉक्स ऑफिस को हिलाकर भी किया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए बुच्ची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है, इसका पहला भाग देख लिया है, अब इसके दूसरे भाग की एडिटिंग चल रही है। लेकिन बुच्ची के अनुसार पहले भाग को ही देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है। फिल्म में अल्लू अर्जुन का किरदार माइंड ब्लोइंग है, वहीं रश्मिका मंदाना भी अहम रोल में नजर आने वाली है। फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले 2 हफ्तों में पूरा कर लेंगे। मेकर्स पुष्पा को इस साल के अंत में रिलीज करने का सोच रहे हैं। बुच्ची बाबू की माने तो अल्लू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तैयार है। अगर बात KGF की करें तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीज होना है। फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बुच्ची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं, मतलब कि जैसा उन्होंने कहा वैसा होता है कि नहीं, क्योंकि KGF के पहले भाग को हर भाषा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर बुच्ची बाबू ने पुष्पा की सीधी तुलना KGF से की है तो दर्शकों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि KGF का भी अलग ही स्वैग है, उसका दूसरा पार्ट आने वाला है और लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मोस्ट अवेटेड फिल्म बोला जाए तो KGF है, तो ऐसे में अगर पुष्पा रिलीज़ होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये KGF को टक्कर दे पाएगी। साउथ के दो बड़े स्टार भिड़ेंगे, एक तरफ अल्लू अर्जुन होंगे, दूसरी तरफ यश होंगे, और यश ने तो ऑलरेडी एक ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है KGF का जो कि धांसू है, तो कांटे की टक्कर होने वाली है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको कितना वेट है पुष्पा का और क्या लगता है अगर पुष्पा और KGF की भिड़ंत होगी तो कौन आगे निकलेगा? क्या एक झूठ पड़ जाएगा पुष्पा के पीछे हो रही लाख मेहनत पर भारी? तो हाय गाइस, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रैट स्टूडियोज में। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पॉपुलैरिटी को केवल उनकी इंडस्ट्रीज में नापा जाता था। अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटेड का टाइटल मिलता है जिनका इंतजार कोई तेलुगु, कन्नड़ा या बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं बल्कि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं। और इन फिल्मों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडस्ट्री ने लीडिंग पोजीशन हासिल कर रखी है। इन्हीं मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा, जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट को 4 गुना बढ़ा देती है। लेकिन कहीं अल्लू अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए, तो आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस कंट्रोवर्शियल कहानी की शुरुआत होती है एक ट्वीट और एक अनाउंसमेंट से। वैसे तो अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए ये एक बेहद सुखद घोषणा थी, लेकिन शायद खुद अल्लू के लिए ये इतनी लकी नहीं रही। दरअसल साउथ के फेमस प्रोड्यूसर बनीवास और अल्लू अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में बनीवास का बर्थडे मनाने अल्लू मुंबई गए थे, जहां वास किसी काम में बिजी थे। ये वाकई उनके लिए एक हार्ट वार्मिंग सरप्राइज था, जो कि कुछ ही समय में अल्लू के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया। एक्चुअली वास ने अल्लू की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंसमेंट की, जिसमें पुष्पा, वेणु श्रीराम की आइकन पुष्पा 2, बोयापति श्रीनु डायरेक्टेड फिल्म कोराटाला सेवा की फिल्म और AR मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने एक्टर को मुसीबत में डाल दिया। पहला कारण तो ये कि एक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंसमेंट यूं नहीं करते हैं, अनलेस उन पर काम जल्द ही शुरू होने वाला हो या हो चुका हो। प्लस इस लिस्ट में AR मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है, जिसे अल्लू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इसके लिए राम कोथिनेनी को अप्रोच किया गया था। अब पूरा सिने वर्ल्ड और मीडिया इस अनाउंसमेंट के पीछे के मकसद को जानना चाहता है कि क्या ये प्रोड्यूसर्स को एक्टर की अवेलेबिलिटी के बारे में बताने के लिए एक स्टंट था, या फिर बाकी एक्टर्स को कंपटीशन देने के लिए जिनकी अपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है।
अब डर तो यही है कि कहीं इस स्टंट का अल्लू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइमलाइट और दिखावे के लिए डेस्परेट ना समझे। तो चलिए आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक एक्साइटेड और सपोर्टिंग फ्रेंड की मिस्टेक थी या एक प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज्ड एजेंडा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बाहुबली के ग्रैंडर और उसके बाद KGF की सुनामी के बाद अब ऑन स्क्रीन पुष्पा उतर रही है अपना कहर जमाने। पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार द्वारा निर्देशित मूवी है जिसको एक पैन इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात यह है कि इस मूवी के लीड रोल में हमको अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं। वैसे तो अल्लू अर्जुन का फैन बेस इंडिया में काफी समय से पूरे भारत भर में फैला हुआ है, लेकिन हाँ, इसका हाईएस्ट प्रोपोर्शन साउथ के दर्शकों को जाता है और शायद इसी प्रोपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अल्लू अर्जुन अपनी पैन रिलीज लेकर तैयार है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउथ के एक्टर प्रभास को क्या अल्लू अर्जुन टक्कर दे पाएंगे? बात दरअसल ये है कि अल्लू अर्जुन को प्रभास के बराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब मैं जानती हूँ आप काफी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपकी कंफ्यूजन दूर होती जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज वाली मूवी पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुष्पा रेड सैंडलवुड के स्मगल की कहानी होने वाली है जिसमें अल्लू अर्जुन काफी खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। जहाँ एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाय प्रोफेशन होंगे, वहीं पर वो एक स्मगलर बाय क्राइम होंगे और इसीलिए मूवी का ज्यादातर पार्ट उनको पकड़ने में और उनके छुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा। अब खास बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर बाकी कंपटीशन और क्रिटिसिज्म के साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी टक्कर मिलने वाली है प्रभास की मूवी सलार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुष्पा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिटिसिज्म या बॉक्स ऑफिस पर आई और कोई मूवी नहीं बल्कि प्रभास की सलार से होने वाला है। इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन हैं। पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों साउथ के बहुत फेमस एक्टर्स हैं और बॉलीवुड में अपना नाम जमाने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन सिमिलैरिटीज की लंबी लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल दोनों मूवीज की शूटिंग तेलंगाना में हुई है और तेलंगाना के एक ऐसे जगह पर जहाँ पर उसको कोल माइन कहा जाता है। अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि पुष्पा एक स्मगलर से जुड़ी कहानी है, लेकिन क्योंकि शूटिंग फिल्म की कोल सिटी जैसी जगह पर हो रही है तो हम लोग ये गैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलिंग से रिलेटेड ज़रूर मिल जाए। अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी KGF भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थ्योरी और वाले ओपिनियन से निकलकर रियलिटी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिनमें एक्चुअली मरना मारना जायज लगेगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ऑफिस पर वो कितनी टक्कर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को। और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़्यादा हिट करना पड़ेगा अपनी मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टैंडर्ड पे करंटली आ सकें। अब सिर्फ इतना ही नहीं, खास बात ये भी है कि ऑडियंस अब हीरोज को सिर्फ हीरो के कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती। उन लोगों को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवीज में कहीं ना कहीं ये तीनों नेगेटिव कैरेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्सप्लोरेशन के ऊपर ही मूवी घूमने वाली है। अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज और आसपास की रिलीज डेट, तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा ओपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर का ताज। तो दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कैसे एक बार फिर पुष्पा ने ली KGF से इंस्पिरेशन? क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैंस का रिएक्शन?
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसमें लॉरी ड्राइवर बने अल्लू अर्जुन रेड सैंडलवुड की तस्करी करते हुए नजर आने वाले हैं। सुकुमार डायरेक्टेड इस फिल्म में हमें पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा। अल्लू की दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग, जहां उनके डैशिंग हैंडसम अवतार में पेश होने की वजह से और उनके लुक्स के वजह से थिएटर्स में टिकट बिकती हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकट्स बिकने का। इस बार उन्हें रगेड अवतार में दिखाया जाएगा, जो उनके चोर किरदार को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एक्साइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एक्साइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है। क्या और कौन, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं फिल्म से रिसेंटली जुड़े एक्टर फहाद फाजिल की। अगर आप अल्लू अर्जुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाई हार्ट फैन हैं, तो आप उनकी पुष्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजन का भी पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है? वेल, इसका जवाब तो फिल्म के ऑफिशियल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है, जिसमें फहाद को नेशनल अवार्ड विनर और पावर हाउस ऑफ मॉलीवुड के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ एक फेस ऑफ के लिए लाया गया है, लेकिन सुकुमार इसमें प्रशांत नील वाली गलती नहीं करना चाहते, जिनकी ब्लॉकबस्टर केजीएफ में गरुड़ा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपीयरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक बार में ही मर जाने के लिए रखा गया था। इसीलिए वो किसी ऐसे एक्टर की खोज में थे जिनके साथ ऑडियंस को सिर्फ फेस ऑफ ही नहीं बल्कि बिगेस्ट एवर फेस ऑफ देख पाने का थ्रिल आए, और ये कोशिश काफी कामयाब होती भी नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये इस न्यूज से इम्प्रेस्ड फैंस का मानना है। उनका कहना है कि फाजिल और अल्लू अर्जुन का कोलैबोरेशन, वो भी सुकुमार के डायरेक्शन में, इससे बेहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। वहीं एक और फैन ने कहा कि फहाद अपनी आंखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं। अल्लू अर्जुन के फैंस वाकई लकी हैं कि उन्हें इन दो सितारों की टक्कर देखने को मिलने वाली है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इन दोनों की टक्कर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और अगर आपको है पुष्पा और केजीएफ के बीच कौन होगा इस रेस का अल्टीमेट विनर। पुष्पा अल्लू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है, जिसका डायरेक्शन सुकुमार कर रहे हैं। इस फिल्म में नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को एज लीडिंग लेडी का कास्ट किया गया है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में जितना क्रेज है उतना ही तनाव भी है। तनाव इसका कि केजीएफ सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का। जी हाँ, दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स तो ऑलरेडी दर्शकों के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा, जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने अपने पिछले ही वीडियो में आपको पुष्पा से जुड़ी एक अहम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करने की जिम्मेदारी वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के कंधों पर डाली जा चुकी है, जिन्होंने इसका पहला गाना तैयार भी किया था, जो खबरों के अनुसार सुकुमार और अल्लू अर्जुन के बेहद पसंद आया था, और गाना जुलाई के फर्स्ट वीक में ही दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार केजीएफ फैंस और पुष्पा फैंस आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केजीएफ की सक्सेस के पीछे म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर का स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिनकी कॉम्पोजिशन ऑडियंस को इतने पसंद आए कि हर 5 मिनट में एक आदमी का रिंगटोन में कोई ना कोई केजीएफ का सॉन्ग हमें सुनने को मिल ही जाता था। अब इस अनाउंसमेंट में कारण लोग इसे डीएसपी वर्सेस बसरूर की टकरार के तौर पर देख रहे हैं और जानता चाहते हैं कि दोनों में बेहतर है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं, इसमें केजीएफ कनेक्शन क्या है, लेकिन आपको बता दें कि गाना डीएसपी ने लिखा है, वो स्पेशली फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेगा। जी हाँ, और वो
थी एक पार पैक तरीके से। और अगर आपको याद हो तो केजीएफ में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिसे ऑडियंस ने बेहद पसंद ही किया था, और आज भी कई बार किसी ना किसी स्वैग वाले वीडियोस में हमें वो गाना सुनने को मिल ही जाता है। इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि पुष्पा का ये गाना केजीएफ के गाने को टक्कर दे पाएगा या नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है और दोनों फिल्मों से आप किसको वेट देना चाहेंगे बताइए हमें कमेंट्स में। डायरेक्टर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा ने अनाउंसमेंट के बाद से ही सबकी नजरें अपनी ओर कर रखी हैं। इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेतहाशा प्यार मिला, जिसमें अल्लू अर्जुन के रग्ड लुक को तो खास तौर पर काफी एप्रिसिएशन मिली। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म का क्रेज ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम लेवल पर है, पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं। अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है, और खासकर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है, तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना कि पूरी फिल्म पर। और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकर्स ने फेमस म्यूजिक कंपोजर देवी शंकर प्रसाद के दरवाजे खटखटाए हैं। खबरें आ रही हैं कि देवी शंकर प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सुकुमार और अल्लू काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड नजर आ रहे हैं। ये सॉन्ग जुलाई के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि देवी शंकर प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालिनी, मन मधुदु, वर्षम और आर्या जैसी सक्सेसफुल कॉम्पोजिशंस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, जिसमें से आर्या तो अल्लू अर्जुन की ही फिल्म है। इस तरह इन दोनों की कोलैबोरेशन तो ऑलरेडी हिट रही है। देवी सर को इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर्स में गिना जाता है, और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना, क्योंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडस्ट्री के बैरियर्स को हटाकर पूरी इंडिया की ऑडियंस पर एक जैसा ही इम्पैक्ट करे, जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना पड़े और सिर्फ म्यूजिक ही प्योर इमोशंस बयान कर डाले। और देवी शंकर प्रसाद ऐसी काबिलियत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोजर्स में से एक है। यूं तो देवी शंकर प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉम्बिनेशन समझा जाता है, लेकिन रीसेंट सोशल मीडिया ट्रेंड्स के कारण अल्लू के बटा बमा सॉन्ग की मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद देवी शंकर प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट हो गई है। अब वो इसे कैसे निभाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो खैर, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है उपासना पांडे। बहुत बहुत उनकी फिल्म पुष्पा ने मानो हर ओर तहलका मचा दिया है, खासकर फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखे अल्लू अर्जुन के इस नए अवतार के बाद। अल्लू अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया, और अगर वही बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टैंडर्ड ही रेज कर दिए हैं। वैसे भी अल्लू का नाम भारत के सबसे हैंडसम आदमियों में लिया जाता है, और उसके ऊपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ता काट देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पीछे छुपा असली टैलेंट कौन है? नहीं, कोई नहीं, हम बता देंगे। तो दोस्तों, ये चीज तो आपने नोट ही की होगी कि हम कई बार एक्टर्स की तारीफ करते हैं, वाह यार रणबीर कपूर तो पूरे संजय दत्त लग रहे हैं, या रणवीर सिंह ने कपिल पाजी का क्या लुक लिया है, हमको तो पहचान में ही नहीं आया कि पा में वो अमिताभ बच्चन ही थे। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे हुई मेहनत को रिकॉग्नाइज करना हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीग्राड स्टूडियोज की नगरी है, यहाँ किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती। और इसीलिए आज
हम इस रात से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अल्लू अर्जुन के इस ट्रेंडिंग लुक के पीछे किसका हाथ है। दरअसल सोशल मीडिया पर तहलका मचा देने वाला ये लुक असल में मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह का देन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था, या फिर हैदर में शाहिद के लुक पर तालियां बजाई थी, या फिर बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेकअप ट्यूटोरियल सर्च किए थे, या फिर सो नॉट आउट में ऋषि और अमिताभ सर का लुक देखकर आप भूल ही गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया के लुक को देखकर हैरान रह गए थे, तो आपको बता दें कि आप अनजाने में प्रीतिशील के ही टैलेंट को सहार रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्स और उनके ये आइकॉनिक लुक उन्हीं की देन है। इतना ही नहीं, मॉम, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज्यादा, हाउसफुल 3, बाला, पंगा, अंधाधुन, छिछोरे, मुल्क, पति पत्नी और वो जैसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उनकी टैलेंट की बात करें तो। अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजिए और हमें ध्यान से बताइएगा कि आपको कौन सा लुक बेस्ट लगा था। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर और कर दीजिए। करने वाले हैं बॉलीवुड में डेब्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के एक फ्रेश नए वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बाहुबली के बाद मेगा ब्लॉकबस्टर हिट मूवी वैकुंठपुरम मुल्लू ने एक पैन इंडिया मूवी न होने के बावजूद 200 करोड़ का कलेक्शन किया था। अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में घिरे हुए हैं। अल्लू अर्जुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे र्यूमर्स मार्केट में खड़े हो चुके हैं, जहां मूवी को सेकेंड पार्ट में रिलीज करने का सोचा गया है। और डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस मूवी में विलेन की एंट्री फर्स्ट मूवी पार्ट के आखिर में होगी, जिससे जाहिर होता है कि शायद मेन एक्शन फिल्म को सेकेंड पार्ट में दिखाया जाएगा। मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा एक्शन और तबाहतोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं। इस मूवी में अल्लू अर्जुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा एक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं, ये बात भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं इस फिल्म की ग्लैमरस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन की लवर का रोल भी निभाएंगी। इस फिल्म की शूटिंग साउथ के अलग अलग लोकेशंस में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन को पुष्पा राज मूवी में चिट्टू डायलेक्ट में फिल्म के सभी डायलॉग्स बोलने हैं, जिसके लिए अल्लू अर्जुन अलग से एक लैंग्वेज एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी कर पाए। पुष्पा राज एक साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पुष्पा राज मूवी को लेकर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। उन्होंने बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रश्मिका मंदाना इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। उन्होंने मूवी की शूटिंग को लेकर बताया कि कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी काफी सारी सावधानियां बरतते हुए टीम मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के साथ काम करने में उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ही इज वेरी सिंपल एंड स्वीट एक्टर। पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिस्सा तेलंगाना के मोटुगुडेम विलेज में शूट किया गया है। मूवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अल्लू अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने अल्लू अर्जुन का बड़े प्यार से मिले और इंटरैक्ट भी किया। सेकेंड वेव के चलते पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है। अभी भी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है। बीच में 28 अप्रैल को अल्लू अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी थी, जिसके कारण कुछ दिन तक अल्लू अर्जुन होम क्वारंटीन थे, जिससे वहां मूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एज पर स्केड्यूल टाइम पर रिलीज कर पाना मुश्किल है। तो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है और दूसरी रिलीज डेट दशहरा फेस्टिवल या फिर 17 दिसंबर के आसपास रखी जा सकती है। तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन रिलीज किया गया था।
लॉन्च पर अलू ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने अपने नॉर्थ इंडियन, हिंदी और अदर रीजन के फैंस के लिए अपना ग्रेटिट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज में बताया और साथ ही हिंदी में भी उनके कुछ शब्द बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ऑडियंस का दिल जीत लिया। उनकी स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नॉर्दर्न साइड में उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। हिंदी ऑडियंस के बीच इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अल्लू अर्जुन की बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर बात चल रही है। अल्लू अर्जुन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू जरूर करेंगे। उनका कहना था कि बॉलीवुड हिंदी इंडस्ट्री काफी मैसिव है और उससे काफी ज्यादा एडमायर भी किया जाता है। जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के एक्टर्स साउथ फिल्म्स में डेब्यू करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ऑडियंस गेन करना चाहते हैं। और पुष्पा राज के इस मैसिव प्री रिलीज सक्सेस के बाद से ही उन्होंने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है। अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, जहां बाकी तेलुगु एक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे में अल्लू अर्जुन हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनका कहना है कि हर किसी की अपनी चॉइस है और हिंदी इंडस्ट्री का काम भी उन्हें काफी इंस्पायर करता है। फिलहाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है, सबसे ज्यादा पुष्पा राज पर है। अल्लू अर्जुन का बॉलीवुड में एज ए न्यू कमर आने के लिए फिलहाल कोई मूड तो नहीं है, मगर जल्द ही वो बॉलीवुड मूवीज में नजर आ सकते हैं। उन्होंने काफी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई। अल्लू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड्डी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया, मगर अर्जुन रेड्डी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है। आफ्टर दैट अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा में नजर आ सकती है। सोर्सेस की माने तो श्रद्धा कपूर पुष्पा राज मूवी में एक आइटम सॉन्ग परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। इस आइटम सॉन्ग के लिए उनसे पहले उर्वशी रौतेला और दिशा पटानी जैसी टॉप परफॉर्मर्स को भी अप्रोच किया जा चुका है, लेकिन श्रद्धा कपूर और प्रभास सारर मूवी साहो में श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम काफी बेहतरीन तरीके से जमा लिया और साउथ इंडस्ट्री के फैंस की नजरों में भी वह काफी पसंद की गई हैं। और उनकी इसी पॉपुलैरिटी के कारण उन्होंने बाकी सभी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़कर पुष्पा मूवी में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। पुष्पा राज एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिस वजह से उसके हिंदी डब वर्जन के लिए एक हिंदी आइटम सॉन्ग तैयार किया जा रहा है, जिस पर श्रद्धा कपूर परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। इस सॉन्ग से नॉर्थ इंडियन सिनेमा या कहें तो हिंदी सिनेमा जगत के फैंस के बीच एक क्रेज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पैन इंडिया फिल्म में अक्सर ये चीजें दिखाई देने को मिलती हैं, जैसा कि केजीएफ के चैप्टर 1 में भी मोनी रॉय गली गली सॉन्ग पर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद बॉलीवुड में हिंदी ऑडियंस के बीच केजीएफ चैप्टर 1 को लेकर काफी पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आई थी। उस सॉन्ग के सेम फॉर्मूले को ही यूज किया गया है इस बार भी। अगर बात करें केजीएफ के ओरिजिनल वर्जन के बारे में तो उनके ओरिजिनल सॉन्ग पर तमन्ना ने परफॉर्म किया था और अब ये सेम फॉर्मूला पुष्पा राज में अपना कर फिल्म के फिल्म मेकर से देखना चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा में कितना क्रेज बढ़ पाता है इस मूवी का। साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि यह सॉन्ग हिंदी सिनेमा में कितना जादू बिखेर पाता है। हालांकि श्रद्धा कपूर ने इस बात को लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है और ना ही फिल्म मेकर्स ने इसके बारे में कोई बात की है। फिल्म का फाइनल पार्ट अभी भी शूट होना बचा हुआ है, जो कि लॉकडाउन की वजह से काफी डिले हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से फिल्म के काफी मेन सीन शूट नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं आखिर कब तक इस आइटम सॉन्ग पर काम शुरू होता है और श्रद्धा कपूर इसमें मेन लीड करती भी हैं या नहीं। श्रद्धा कपूर पहले भी बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स को परफॉर्म कर चुकी हैं। इससे पहले इमरान हाशमी की एक फिल्म उंगली में श्रद्धा कपूर डांस वसंती गाने पर झूमती नजर आई थी और बाद में साहो फिल्म में श्रद्धा कपूर एक और गाना सहया साइको सॉन्ग पर भी नजर आई थी, जिसके बाद सॉन्ग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों इंडस्ट्रीज में काफी पसंद किया गया था। इस बार पुष्पा राज में किस लुक में श्रद्धा के इस आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करती नजर आएंगी, ये देखना तो हर किसी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
और अगर खास बात बताएं तो दोस्तों श्रद्धा कपूर के फैंस और हिंदी सिनेमा के लिए ये बात काफी ज्यादा बेहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वजह से फिल्म को काफी फेम और काफी बज मिल सकता है। तो आपका इस टेक्निक के बारे में, प्रभास की सारी फिल्मों का उनके फैंस को लंबा इंतजार रहता है, उनके फैंस पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो। अब पुष्पा की ही बात कर ले तो उनके फैंस करीब 2 साल से इस पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं, जब से इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था। आने वाले दिनों में पुष्पा का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना नजर आने वाली। पुष्पा में विलन के तौर पर फहाद फजल नजर आएंगे, साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। दोस्तों पुष्पा आज इतने ज्यादा लाइमलाइट में इसीलिए भी है क्योंकि इस फिल्म में लीड तौर पर अल्लू अर्जुन नजर आने वाले हैं और अल्लू अर्जुन का स्टारडम ही कुछ ऐसा है कि उनकी हर फिल्म में लगातार चर्चा में बनी रहती है। अगर पुष्पा सक्सेसफुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अल्लू अर्जुन की मैसिव पॉपुलैरिटी को भी जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कैसे अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइलिश यंग आइकन कहा जाता है। अल्लू अर्जुन ने ज्यादातर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है, अभी तक वो बॉलीवुड की किसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में वो जल्द ही बॉलीवुड की किसी फिल्म में भी काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था एज अ चाइल्ड एक्टर विजेता फिल्म के साथ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा था और इसी वजह से उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट्स भी मिलने लगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन को उनकी पहली फिल्म मिली जिसमें उन्होंने लीड किरदार निभाया था और वो थी गंगोत्री। गंगोत्री पिक्चर लोगों को काफी पसंद आई और इस फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन अल्लू अर्जुन के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिलीज किया गया। आर्या को अल्लू अर्जुन के करियर का सबसे सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है। इस पिक्चर में उनके एक्टिंग स्किल्स की काफी सराहना हुई थी। इतना ही नहीं, आर्या पिक्चर के बाद अल्लू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा गया था जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साउथ इंडस्ट्री में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है तो वो है अल्लू अर्जुन। खास तौर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए उनके तमाम फैंस काफी एक्साइटेड हैं। पुष्पा बेसिकली एक गैंग वॉर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे सैंडलवुड की इलीगल तस्करी की जाती है और कैसे अल्लू अर्जुन फिल्म के शुरुआती दौर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बाद में उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आ जाता है। आप पुष्पा के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पा राज, जिसे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, जल्द ही थिएटर्स में अपना कमाल दिखाने वाली है। बावजूद इसके ऑडियंस अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस मूवी से रिलेटेड बार बार कोई न कोई अफवाह हर बार मार्केट में नजर आती है, जिस वजह से फैंस की एक नई फैन थ्योरी बननी शुरू हो जाती है। इस मूवी के लिए जहां टॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया है, तो वहीं इस मूवी के बाकी की कास्ट एंड क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मेंबर से जुड़ी हुई है। फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को 2 हिस्सों में रिलीज करा जाएगा। ऐसा करने की एक बड़ी वजह ये है कि फिल्म की स्टोरी में एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस स्पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए हीरो और डायरेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइड किया है कि पुष्पा को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना? ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मेगा ब्लॉकबस्टर बाहुबली मूवी में भी यही हुआ था। फर्स्ट पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैन होने की वजह से फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया गया। फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना, ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार ही किसी मूवी के जरिए दिखाया गया है। कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर
सुपरहिट और जहां इस गाने की पूरी प्रोडक्शन टॉप म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर और ऑस्कर विनिंग स्टार के पास हो, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सेस इस मूवी को मिल पाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, तो सोचने की बात है कि जहां साउथ सॉन्ग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है, ऐसे में क्या इस सॉन्ग का हिंदी में भी कोई डब वर्जन या न्यू हिंदी सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसे मूवी का हिंदी ऑडियंस के साथ काफी गहरा कनेक्शन बन जाएगा। अब ऐसा करने की एक वजह ये हो सकती है कि अल्लू अर्जुन वैसे ही अपने हैंडसम और डैशिंग लुक के लिए काफी पॉपुलर हैं और उनके हैंडसम हॉट लुक्स और पर्सनालिटी एक आम बात हो गई है। ऐसे में उनके पोस्टर में वही सेम लुक दिखा कर ऑडियंस के बीच इतना क्रेज पैदा नहीं होता जितना टॉलीवुड के मोस्ट डैशिंग स्टार अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और पूरी टीम में बहुत ज्यादा जोश है। फिल्म का ट्रेलर 70 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है जिससे फिल्म की पूरी टीम काफी ज्यादा खुश है। फिल्म के रिलीज से पहले ही इतनी बड़ी कामयाबी मिलना साउथ इंडस्ट्री के लिए एक आम बात होती जा रही है। मूवी के ट्रेलर में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ अल्लू अर्जुन के एक्शन सीन, लुक और फाइटिंग सीक्वेंसेस ने काफी तहलका मचा दिया। इस मूवी को मिरर मूवी फॉरेस्ट में शूट किया गया है जहां हाई पुलिस फोर्स और कंप्लीट सिक्योरिटी में इस फिल्म पर काम किया गया था। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म क्रू को साउथ के एक्शन सीन्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं और साथ ही साथ शायद से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी लुभाने के लिए पुष्पा राज की कैमरा हैंडलिंग के लिए चूज किया गया है पॉलिश कैमरामैन मिरोस्लाव कुबर प्रोजेक्ट को। जी हाँ दोस्तों, मिरोस्लाव को इंडिया में पीसी श्रीराम ऑफ पोलैंड कहा जाता है। पीसी श्रीराम इंडिया के रीओन सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है जो कि मोस्टली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इवेंट्स में काम करते हैं। मिरोस्लाव इससे पहले क्या फ्रीडम मूवी जिसको विक्रम कुमार ने डायरेक्ट किया था उसके लिए एज अ कैमरा पर्सन काम कर चुके हैं। उस फिल्म में मिरोस्लाव के काम से इम्प्रेस होकर ही सुकुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पराज के लिए उन्हें हायर किया। मिरोस्लाव भी फिल्म में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुश नजर आ रहे हैं और फैंस भी ये खबर सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन ये खुशी ये पल ज्यादा समय तक नहीं रह पाई थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरों के अनुसार कोरोना पैंडेमिक की वजह से वो वापस जा रहे हैं और उन्हें रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं। बता दें कि अल्लू अर्जुन मिरोस्लाव के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और ये एक्साइटमेंट मिरोस्लाव के एफर्ट्स में भी दिख रही थी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान मिरोस्लाव ने फिल्म की काफी तारीफ भी की थी और फिल्म के हर इवेंट का, चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या फिर कई पूजा सेरेमनी हो या फिर फिल्म का सेलिब्रेशन क्यों ना हो, उसका हिस्सा जरूर बनते थे। मिरोस्लाव तेलुगु इंडस्ट्री से अटैच हो चुके हैं लेकिन अब उन्हें जाना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल में सेफ्टी बनी रहने के लिए, इसलिए सभी रेस्ट्रिक्शन और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको एक सेफ ट्रैवल जोन में रखा हुआ है। ये एग्जिट फिल्म पर गहरा असर डाल सकती है क्योंकि फिल्म के टीजर से ही फिल्म का गहराई और थ्रिल का काफी पता चल रहा है। अब क्या न्यू कैमरामैन इस लेवल को मैच कर पाएगा? तेलुगु सिनेमा में आजकल फॉरेन सिनेमाटोग्राफर्स को अप्रोच करने के ट्रेंड चल रहा है जिससे फिल्म की विजुअल क्वालिटी और ज्यादा इंडेक्स ऊपर सामने आती है। अभी तक यूरोपियन फॉरेन सिनेमाटोग्राफर्स अपना कमाल दिखा चुके हैं तेलुगु फिल्म्स में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये कोशिश पुष्पा राज के लिए भी हुई थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब क्या नया काम है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में? अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा ने अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही मीडिया में सनसनी मचा रखी है। कभी फिल्म की हीरोइन तो कभी फिल्म का विलन, कभी फिल्म के दो पार्ट्स तो कभी फिल्म का गाना, फिल्म आए दिन किसी न किसी कारण से हेडलाइंस में रहती है। इन सारी अपडेट्स की इंफॉर्मेशन तो हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में देख ही चुके थे लेकिन आज हम वो बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जिसका जवाब तो सब जानना चाहते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है एक सवाल ने सबके मन में भर कर रखा है, आखिर फिल्म का नाम पुष्पा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट वजह है? इस बारे में कई थ्योरी भी थी। कुछ के अकॉर्डिंग पुष्पा फिल्म में अर्जुन की माँ का नाम पुष्पा हो सकता है जिससे वो बेहद प्यार करते होंगे और उनकी मौत के बाद ही इसीलिए उनकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उन्होंने अपना नाम पुष्पा ही रख लेंगे। तो कुछ का कहना है कि क्या पता कि लीडिंग लेडी रश्मिका का नाम
स्पेकुलेशन की हद तो तब तक हो गई जब उन्होंने ये कहा कि क्या पता डायरेक्टर सुकुमार राजेश खन्ना के बड़े फैन, इसीलिए ये नाम रख दिया गया। यू नो पुष्पा आई हेट यस, पर हमने ये गुत्थी सुलझा ही ली। एक्चुअली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपल सा कारण है, जितना डीप में जाकर फैंस ने सोचा उतनी मेहनत मेकर्स ने नहीं की। फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का नाम पुष्पक नारायण रखा गया, जिन्हें सब प्यार से पुष्पा बुलाते हैं, और इसी वजह से फिल्म के लिए इस टाइटल को चुना गया। आफ्टर ऑल पूरी कहानी इस किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी। बता दें कि इससे पहले फिल्म का नाम शेषाचलम रखा जाने वाला था, क्योंकि ये पूरी कहानी शेषाचलम में प्रोमिनेंट स्मगलिंग पर बेस्ड है। अगर ऐसा होता तो पुष्पा और केजीएफ में एक और सिमिलैरिटी हो जाती, क्योंकि केजीएफ का भी ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेस थी, केजीएफ पर किसका राज होगा। शायद इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सुकुमार ने शेषाचलम को पुष्पा कर दिया। इससे फिल्म का टाइटल काफी कैची भी हो गया और इंक्लूसिव भी और क्यूरियोसिटी लगाने वाला हो गया। खैर ये तो हमारी अर्जुन फैंस के लिए बेहद खास। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज बात करेंगे आज के फैंस के बहुत ज्यादा फेवरेट और मोस्ट स्टाइलिश एंड डैशिंग एक्टर अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी पुष्पराज के बारे में। दोस्तों पुष्पराज का टीजर जब से रिलीज किया गया है और अपने बर्थडे पर टीजर के सक्सेसफुल लॉन्च पे जब से अल्लू अर्जुन ने अपने नॉर्थ इंडियन फैंस और अदर स्टेट फैंस के लिए इंग्लिश में स्पीच देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सपोर्ट के लिए उनके शुक्रगुजार हुए हैं, तभी से ही दोस्तों नॉर्थ साइड में भी अल्लू अर्जुन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अल्लू अर्जुन की अपकमिंग इस ड्रामा एक्शन फिल्म में सुकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद के साथ उनका काफी टाइम बाद कोलैबोरेशन हुआ है। इससे पहले सुकुमार और अल्लू ने साथ में दो ब्लॉकबस्टर मूवीज करी थी, जो कि थी आर्य और आर्य का सेकंड सीक्वल आर्य 2। और ये बात सभी जानते हैं कि स्टाइलिश एक्टर अल्लू अर्जुन को आर्य मूवी ने रातों रात सुपर सेंसेशन बना दिया था। दोस्तों पुष्पराज को लेकर हर दिन एक मार्केट में नई अफवाह सुनने को मिलती है। मूवी की स्टोरी लाइन एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। रिसेंटली आ रही खबरों के अनुसार अल्लू अर्जुन इस मूवी में डबल रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सोर्सेस की माने तो जहाँ अल्लू अर्जुन का एक किरदार स्मगलर के रूप में नजर आएगा तो वहीं दूसरा किरदार बिजनेसमैन के तौर पर दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों पुष्पराज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अल्लू अर्जुन के अलग अलग रूप्स पर उनके डबल रोल होने की अजम्पशंस लगाई जा रही हैं। ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फैन ने अल्लू अर्जुन के डबल रोल होने की बात कही थी। दोस्तों इस बात पर अभी तक डायरेक्टर सुकुमार ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या झूठ। अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और एक्टर दोनों का रोल अल्लू अर्जुन साथ में निभाते हुए नजर आया। अब दोस्तों सोचिए जरा, जैसे बॉलीवुड मूवी डॉन में हुआ था जिसमें असली डॉन तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए गरीब आदमी को उनकी गैंग में डॉन बनाकर भेज दिया। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी इस बार पुष्पराज में रिपीट तो नहीं की जाएगी। स्ट्रॉन्ग यूमर्स की बात की है कि अल्लू अर्जुन का दूसरा रोल एज अ बिजनेसमैन होगा। अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिजनेसमैन की सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अल्लू अर्जुन को बिजनेसमैन बनाकर वहां भेज दिया जाए जहां से उनके धंधे को ऑपरेट किया जाता हो। और अब दोस्तों रूमर्स में कितनी सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे तभी पता चलेगा, वरना मूवी रिलीज होने का तब तक इंतजार करना पड़ेगा सभी को। और दोस्तों इन सभी खबरों से अल्लू अर्जुन के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करें कि अगर अल्लू अर्जुन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यों हैं तो उसका जवाब आप जल्द ही खुद समझ जाएंगे। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन ने बताया कि फैंस के साथ साउथ मूवी इंडस्ट्री के एक्टर्स का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। दे ऑल ट्रीट ईच अदर लाइक फैमिली, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैंस के बिना कुछ नहीं है। इसलिए साउथ में देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी है। अपने क्लोज फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैन के फ्यूनरल में वो खुद उनके घर गए थे। बॉलीवुड स्टार्स या एक्टर्स के मुकाबले अपने फैंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वजह है कि नॉर्थ इंडिया में भी साउथ एक्टर्स के इस नेचर की वजह से उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज करती हैं, जिनमें एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, सस्पेंस, एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, इन सभी मसालों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और फिर फिल्म निकल कर आती है एकदम चटपटी। और यही होने वाला है फिल्म पुष्पा के साथ भी। अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है, जिनमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी। वही IMDb प्लेटफॉर्म पर मोस्ट अमेजिंग फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली फिल्म का टीजर तो कमाल का है। उसने सारे फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा कर रख दिया है, जहां मेन फोकस हुआ है हीरो के भाकर लुक, स्वैग और एक्शन पर। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कभी ना देखे गए अवतार देखने मिलेंगे। वैसे तो अल्लू अर्जुन अपनी हर फिल्म में एक नए लुक के साथ आते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका लुक काफी यूनिक और काफी अट्रैक्टिव है।
और इसी से पता चलता है कि वो हर लुक को परफॉर्म कर सकते हैं। और यही तो होती है एक सच्चे कलाकार की पहचान, जो हर किरदार में ढल जाता है। वहीं फिल्मों में बाकी कलाकारों की बात करूं तो अल्लू अर्जुन के अपोजिट यानी कि फीमेल लीड रोल में नजर आने वाली हैं साउथ इंडियन की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन दो अभिनेताओं के साथ भिड़ने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म में दो दो विलन होने वाले हैं और मेन विलन की एंट्री होगी इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के एंड के दौरान। वहीं मेन विलन का रोल निभाएंगे फहाद फैसल। इस फिल्म में एक 6 मिनट का एक्शन सीन होने वाला है, जिसे हॉलीवुड लेवल से भी ज्यादा तगड़ा बनाने के लिए कई सारे एक्शन डायरेक्टर्स की मदद ली गई। वहीं एक्टर अल्लू अर्जुन ने भी इस एक्शन सीन्स के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग ली है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस 6 मिनट के फाइट में फिल्ममेकर्स ने 6 करोड़ का खर्चा किया है। वही हमारे हीरो ने भी लगभग 40 करोड़ का चार्ज इस फिल्म में किया है और 200 से 300 करोड़ के बीच में ये फिल्म का बजट होने वाला है। आपको बता दूं कि फिल्ममेकर्स ने ये फिल्म पहले महेश बाबू को ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने तो साफ मना कर दिया और उनके मना करने का कारण था इस फिल्म का रोल। महेश बाबू की पर्सनैलिटी से काफी अलग ये रोल, वो इस रोल को करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सिमिलरली रश्मिका से पहले फिल्ममेकर्स की चॉइस थी समांता, लेकिन समांता ने भी इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फैंस के बीच ये सवाल छोड़ दिए कि आखिरकार समांता ने इस फिल्म को क्यों रिजेक्ट किया और क्या वजह रही कि समांता ने अपनी बॉलीवुड में डेब्यू करने के मौके को गवा दिया। तो आपको बता दें कि समांता शादी के बाद अपनी फिल्मों को लेकर काफी चूजी हो गई है। वो सिर्फ यूनिक और फीमेल लीड वाली मूवीज को ही करना चाहती है। वहीं बात करूं फिल्म के रिलीज की तो फिल्म इस साल 13 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी अपनी तय तारीख में रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को अभी 3-4 महीने और इंतजार करना है, क्योंकि 99% ये फिल्म 17 दिसंबर 2021 को जरूर रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स फैल रहे थे। सब अपने अपने तरीके से कहानी अज्यूम करने लगे थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत में अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन के रोल में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपरहिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर चुके हैं, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें सीधा बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन अब थिएटर वाला मजा लेना होगा, तो मजा तो आएगा ही। इसके अलावा आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने भी कमर कस ली है और उन्होंने सोचा है कि वो जमकर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहा भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहेगी, क्योंकि जो हिंदी ऑडियंस है बार बार इन्हें खबरें देनी पड़ती है कब फिल्म रिलीज हो रही है, तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए हिंदी ऑडियंस के लिए स्पेशली अल्लू अर्जुन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वैसे फैन फॉलोइंग कम नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अल्लू अर्जुन ने पूरी जान झोंक दी है। एक पीआर टीम उन्होंने रखी है जो कि अब सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट, साथ ही जितने भी ये बॉलीवुड के चैनल है उनमें इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। साथ ही आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है, तो सोचिए अल्लू अर्जुन अगर कपिल शर्मा शो में पहुंच गए तो कितना भयंकर मजा आने वाला है दोस्तों। ये बात वाकई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट भरी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है, रश्मिका मंदाना इसमें नजर आने वाली है, विजय सेतुपति है और अब विलन का नाम भी रिवील कर दिया गया है सूर्या, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो वो विलन का किरदार करने वाले हैं। साथ ही सुकुमार इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि अल्लू के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक हिसाब से लगाया जाए। और सैंडलवुड जो लकड़ी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अल्लू अर्जुन, उनकी जो तस्वीरें सामने आई है वो दिखाती हैं कि 80s से 90s का ये एरा है जिसमें कि अल्लू अर्जुन की जो शर्ट है, चेक शर्ट,
शर्ट दिख रही है, बेल बॉटम पैंट्स दिख रहे हैं, साथ ही उनके हाथ में स्टील की घड़ी है जो कि 80s के दौर में पहनी जाती थी। तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है और बहुत कुछ खास है, जैसे कि अल्लू अर्जुन का लुक जो कि कर्ली हेयर उन्होंने कैरी किए हैं और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रही है उसमें अलग ही ऑरा उनका दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में एक्शन बहुत भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का, ये जरूर बताइए। और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस के लिहाज से, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ऐ सर, मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता और गुस्सा। अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बजट में बनाया जा रहा है पुष्पा को? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जवाल। बात करेंगे साउथ के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की, जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लुक शेयर किए गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था, कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। इस फिल्म को सुकुमार डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि जो शूटिंग लोकेशन है उसके एक भी फोटो वायरल हो और लीक हो, इसीलिए उन्होंने कड़ी सिक्योरिटी रख दी है और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिए हैं कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाहते और एकदम से धमाका मचाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है, 150 करोड़ का इसका बजट होने वाला है। पैन इंडिया ये फिल्म है यानी कि 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी और पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। तो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी ओपनिंग देगा। हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ऑक्यूपेंसी रही थिएटर्स में, अगर पेंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थिएटर्स में, तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड़ का ओपनिंग आराम से देगी, ये 30 करोड़ भी हो सकता है। और 60 करोड़ का अगर हम बोलें अलग भाषाओं से, जो बाकी भाषाओं में रिलीज हो रही है, उससे 60 करोड़ ये ऑक्यूपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी। खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन, ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 250 करोड़ ये फिल्म आसानी से कमा लेगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 20 करोड़ का ये ओवरसीज कलेक्शन करेगी पहले दिन, तो इस हिसाब से लाइफ टाइम कलेक्शन की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। हिंदी तमिल तेलुगू से ये 300 करोड़ कमा लेगी और 200 करोड़ हो गया हिंदी में। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड़ की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अल्लू अर्जुन के जो फिल्में हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतज़ार रहता है और वर्ल्ड वाइड भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अल्लू की जितनी भी फिल्में आती हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है। उनका हिंदी डब जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूज़ के मामले में भी और फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है। इसके अलावा उनके अपोजिट इसमें रश्मिका मंदाना नज़र आने वाली हैं और इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है फिल्मों में। तो दोस्तों, इतना तो ये तय है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा। विजय सेतुपति इसमें होने वाले हैं। एक और विलन का नाम सामने आ चुका है, वो है आर्या, और आर्या अल्लू अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना करोड़ का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का? नीचे We'll be right back.
किस नए अंदाज से चौंकाने वाली हैं रश्मिका दर्शकों को, क्या इस नए किरदार से बदल जाएगी अभिनेत्री की छवि और क्यों एक बार फिर रुकी अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की शूटिंग, क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस की वजह से हर जगह छा रही हैं कन्नड़ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, कभी अपने दिल पिघला देने वाली तस्वीरों की वजह से तो कभी अपने जिम वर्कआउट की वीडियो से। लेकिन जल्द ही अब ये ग्लैमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही हैं अपनी एक खास फिल्म के लिए, तो क्या आप तैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो। रश्मिका जल्द ही अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनने जा रही हैं और दोनों की ये साथ में पहली फिल्म होगी। फिल्म का शीर्षक है पुष्पा, जो फिल्म में अल्लू अर्जुन के किरदार का नाम भी रहेगा और ये फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारित है। अल्लू अर्जुन का बीहड़ लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है। अल्लू अर्जुन जिन्होंने बचपन में ही अपना एक्टिंग करियर चिरंजीवी जैसे बड़े सितारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था, वहीं रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अव्वल है अभिनेत्री। 24 साल की इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरक पाची से वाह वाही बटोरी थी, जिसके बाद उन्होंने महेश बाबू के साथ सरीलेरू निक्की वेरू और भीष्मा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म पुष्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अवतार में दिखेंगी। हमेशा ग्लैमरस अंदाज में देखी गई अभिनेत्री अब करने जा रही है गांव की गोरी का किरदार। फिल्म में वे गांव की एक गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी, जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लैमरस रूप में दिखाया जाएगा। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। वहीं केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधि शेट्टी के बाद अब कन्नड़ ब्यूटी भी चल पड़ी है तमिल सिनेमा की तरफ। जल्द ही रश्मिका तमिल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं। और क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर की आगामी फिल्म जोसी में मृणाल ठाकुर से पहले रश्मिका को फिल्म में मृणाल वाला किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कोई जिनकी निगाहें टिकी हैं सुंदर और टैलेंटेड एक्ट्रेस पर, जी हाँ संजय लीला भंसाली, जिन्होंने ऐश्वर्या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला। वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने दीपिका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सलमान अपनी फिल्म किक में न ढूंढ रहे थे। वहीं अब संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुक गई है। फिल्म का ऐलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या क्या शीर्षक के साथ आएगी अभी तक बताया नहीं गया है। अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपरहिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैत्री मेकर्स बैनर्स बैरोल के कर रहे हैं, और जो अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर कौरतला शिवा के साथ फिल्म #AA21 से भी जुड़ गए हैं। फिल्म पुष्पा डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है, और ये फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवश्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेलुगु हिट गाने दिए हैं। वहीं आपको उर्वशी रौटेला का गाना डैडी मम्मी है नहीं घर पे याद है, उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर ही भी प्रसाद ही है। सुकुमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रंगस्थलम में भी देवश्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए। वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है। फिल्म की शूटिंग काफी जोरों शोरों से चल रही थी और पुष्पा को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया, इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोक दी गई और सेट पर सभी की सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने जनवरी तक शूट स्थगित करने का फैसला किया है। तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हीरोइन? कहीं फिल्म पुष्पा KGF 2 से क्लैश तो नहीं करेगी? आपको क्या लगता है हमें अपने जवाब कमेंट्स करके जरूर बताएं। वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिमरन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थ्योरीज क्या है? साउथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरीन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉपुलैरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है।
और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज और फिल्म मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी बारीकी से फॉलो करना, फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंड डायरेक्शन एंड फॉर दैट मैटर बजट हो। इस एफर्ट का रिजल्टेंट है कमाल का सिनेमा जिसके काफी चाहने वाले हैं। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि कंटेंट के मामले में अब बस बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साथ में ही कई रीजनल सिनेमा भी रेस में आ चुके हैं और कई केसेस में तो बॉलीवुड से बढ़िया कंटेंट परोस रहे हैं। हर तबके से जुड़े लोग अब साउथ सिनेमा की तरफ देखने लगे हैं और इसकी बदौलत साउथ स्टार्स की फैन फॉलोइंग अलग लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीधे आते हैं मुद्दे पर। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की और कनाडा क्रश रश्मिका मंदाना की मच अवॉइटेड फिल्म पुष्पा रिलीज होने जा रही है अगस्त में और एज एक्सपेक्टेड इस तेलुगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है। फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये होगी रेड सैंडलवुड की तस्करी पर बेस्ड, जिसमें अल्लू अर्जुन इसी धंधे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे। अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुप्पी सद रखी है। पर जिस देश में इतनी क्रिएटिव ऑडियंस हो वहाँ क्रेजी थियोरीज की क्या कमी हो सकती है, इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जुट गई है और कुछ कमाल की स्टोरीज निकाल के सामने आ रही है। तो देर किस बात की, आइए डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है। पहली एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चक्कर लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अल्लू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है। पुष्पा का हो जाएगा कत्ल और मारने वाले गुंडों का कोई अता पता नहीं होगा। अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेड सैंडलवुड की तस्करी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा। फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोध की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा। इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अर्जुन इस फिल्म में एक ग्रे शेड में दिखेंगे, पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थ्योरी की तरफ। इसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है, पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर। अब अल्लू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पे पहुंचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेड सैंडलवुड के फॉरेस्ट में, इसलिए अल्लू अर्जुन खुद भी रेड सैंडलवुड का स्मगलर बन जाएगा और लोरी चलाएगा। इसी लुक में वो विलेन के करीब पहुंच जाएगा जो सैंडलवुड स्मगलर माफिया का हेड होगा और जिसने उसकी बहन को इसलिए मारा होता है कि इस धंधे का पता चल जाता है अपने फॉरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। तो एंड में होता है घमासान युद्ध और विलेन की हार के साथ स्टोरी समाप्त। बस यही नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मोह उतनी बातें हैं, पर असली स्टोरी जा रही है अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा। उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा, क्या होने वाली है पुष्पा की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अपने जन्मदिन के मौके पर अल्लू अर्जुन ने सबको सरप्राइज दिया था, पुष्पा की घोषणा की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, यानी कि पहली बार अल्लू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए, क्योंकि साउथ समेत नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मेकर्स द्वारा अल्लू के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग भाषाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया गया था, जिसमें कि अल्लू अर्जुन बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकअप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशील सिंह का हाथ था, जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑलरेडी अवार्ड जीत चुके हैं। और प्रतिशील ने हैदर, मॉम, 102 नॉट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाई ज़्यादा, हाउसफुल 3, बहुत सारी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट वो रहे हैं, जादू चलाया अपने मेकअप का। और इस फिल्म में भी उनको लुक देने के लिए प्रतिशील बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने, और ये लुक सामने भी दिखता है। अब तक बहुत सारे लुक शेयर किए गए हैं,
है, लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनाउंस कर दिया है। उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी नजर आ रही है, पूरे जंगल का सीन, अंधेरा सीन नजर आ रहा है, उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने अनाउंस कर दिया है कि उनकी फिल्म पुष्पा कब रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे से आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुल्हाड़ी है। अल्लू अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं। काफी अमेजिंग है ये पोस्टर। और साथ ही अल्लू अर्जुन ने इसे कैप्शन दिया है #पुष्पा लोडिंग इन थिएटर्स फ्रॉम 13th of August 2021, एक्साइटेड टू मीट यू ऑल इन सिनेमाज दिस ईयर। और सिर्फ अल्लू अर्जुन ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो फिर से वही मैजिक क्रिएट करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, पुष्पा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतुपति, प्रकाश राज, जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे। और एक्ट्रेस की बात करें तो रश्मिका मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेरने के लिए तैयार है। इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। वहीं हरमन उथमन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म लाल चंदन यानी कि सैंडलवुड जो लकड़ी होती है उसकी तस्करी पर आधारित है। फिल्म की पृष्ठभूमि सेशाचलम के जंगल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी कि अच्छी अच्छी लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी। और इसमें विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, यानी कि खतरनाक एक्शन, दमदार फाइट होने वाली है। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल पता ही चल गया है 13 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए वेलकम टू पॉलीक्रास्ट स्टूडियोज की एक और नई चटपटी वीडियो में। श्रिया अरोरा आपकी आज की होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में। पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट और लिखा सुकुमार ने है। सुकुमार एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर है जो कि प्रीडोमिनेंटली तेलुगु सिनेमा में ही काम करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवी विनायक को भी असिस्ट किया है। सुकुमार ने अपना डायरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सुपर हिट हुई थी, जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी। फिल्म में बतौर लीड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था। जगपति बाबू, प्रकाश राज, धनंजय, सुनील, गिरीश उठमन और वेनेला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को प्रोड्यूस मैत्री मूवी मेकर्स इन एसोसिएशन विद मुत्तम शेट्टी मीडिया के तहत प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहत रिलीज किया गया था। फिल्म पुष्पा को 13 अगस्त 2021 को रिलीज करने का स्केड्यूल किया है। फिल्म को तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और कन्नड़ वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है। जनवरी 2020 में पहले डायरेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डायरेक्टर सुकुमार के क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट सरीलेरू नेकेवारू फिल्म को साइन किया था, जिसे डायरेक्ट अनिल रवि पुरिस ने किया था। बाद में अल्लू अर्जुन ने प्रोजेक्ट साइन किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में एज अ लीड एक्टर काम करके। सुकुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलैबोरेशन है। साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन द रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था। आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। दिसंबर 2019 में डायरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथीरैपिडली फॉल्स पर। फिल्म पुष्पा का फर्स्ट शेड्यूल केरला में ही शूट किया गया था। फिल्म को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हॉल्ट कर दिया गया था।
फिल्म की शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी गई थी 10 नवंबर 2020 में। विजय सेतुपति बहुत चर्चा में थे द एंटागोनिस्ट प्ले करने के लिए और जनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए। रश्मिका मंदाना को अप्रैल 2019 में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया गया था और जगपति बेबी और प्रकाश राज को की रोल्स के करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ऐसी खबर सामने आई कि विजय सेतुपति को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूज की वजह से। कन्नड़ा के फेमस एक्टर धनंजय को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था। नवंबर 2020 में जब फिल्म पुष्पा की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था। बस फिलहाल आज इस फिल्म के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है रुशाल। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए सर मैं ऐसा ही हूं, भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता और गुस्सा आता है तो पुष्पा से करने वाली है रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत? क्या साउथ की अगली कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड को रश्मिका मंदाना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आपने ये तो अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्में पैन इंडिया रिलीज यानी कि अपने ओरिजिनल भाषा के साथ साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजामौली की फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई थी। बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जन की प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने किया था। उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला। फिर उनकी आने वाली फिल्में राधे श्याम और आदि पुरुष और साथ में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद की फिल्में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। उसके बाद फिल्म KGF चैप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला। इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है। साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस ने कई बार बॉलीवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीदेवी, जया प्राडा, ऐश्वर्या राय, असिन, दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू जैसी कुछ अभिनेत्रियां अमाप सफलता पा चुकी हैं बॉलीवुड में। वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अग्रवाल, त्रिशा कृष्णन जैसी अभिनेत्रियां ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, हालांकि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं। अभी अभी साउथ में विजय की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही हैं और साथ ही साथ विजय के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी। रश्मिका मंदाना को पिछले साल नेशनल क्रश का टाइटल मिला था। ये क्रश पहले दिशा पाटनी को भी मिला था। रश्मिका मंदाना एक के बाद एक बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मूवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ऑफर हुई थी। RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंत ही हाँ कह दिया था। इसमें उनके ऑपोजिट होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मगर हाल ही में
सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर इतना स्मूथ नहीं जा रहा। हालांकि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके प्रयास ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे, तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलीवुड डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोजिट फिल्म ढूंढ रही थी। और इसी वक्त बात करने को लेकर है इस खबर से अल्लू अर्जुन के फैंस में भारी क्रेज है। वेल आपको बता दें कि प्रशांत नील की KGF 2 बनकर तैयार है और जल्दी थिएटर में पहुंचने वाली है। इसके बाद वो प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को पूरा करने की कोशिश में जुटे होंगे। फिल्म इन दिनों शूटिंग स्टेज पर है। क्या इसके बाद प्रशांत नील अल्लू अर्जुन संग अगली फिल्म की तैयारी करेंगे? इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि जल्द मिलेगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें। कितने अवार्ड्स जीत चुकी हैं रश्मिका मंदाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुष्पा के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर अपनी फेवरेट मूवी से रिलेटेड अपडेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्शन कर रहे हैं सुकुमार। इसे प्रोड्यूस किया है नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर ने, जो मैत्री मूवी मेकर्स के एसोसिएशन में मुट्टम सेट्टी मीडिया से हैं। अब द फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन एंड रश्मिका मंदाना, जबकि जगपति बाबू भी हैं, प्रकाश राज, धनंजय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। जैसा कि प्रशंसक पुष्पा के निर्माताओं को आधिकारिक अपडेट के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं, एक नई रिपोर्ट अब ऑनलाइन सामने आ रही है, ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज किया जाएगा, जो कि 8 अप्रैल को होगा। वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो कि प्रमुख महिला का किरदार निभाती नजर आएंगी, वह हर बार सेट से तस्वीर साझा करती रही हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा के दोस्तपूर्ण शूटिंग स्केड्यूल्स पिछले महीने रैप अप हुए थे और निर्माताओं ने ट्विटर पर इसकी घोषणा भी की थी। उन्होंने लिखा था, टीम पुष्पा ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के दौरान रामचंद्रपन और मेरदी मुली के एजेंसी क्षेत्रों में 2 बिजी स्केड्यूल्स रैप अप किए हैं। अब हम अपने शूट में सहयोग और सहयोग के लिए आदिवासी और प्रशासन के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिसके बिना हमारी शूटिंग पूरी नहीं हो पाती। थैंक यू रंपा चौधवारम और मारदे मुली, अब हम निश्चित रूप से फिर से वापस आ जाएंगे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा। वहीं अगर हम रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुष्पा के साथ साथ शामिल है मिशन मंजू, अद्दावालू, मीकू जोहालू और सुल्तान। ये सारी फिल्में 2021 में ही रिलीज होने वाली हैं। दोस्तों, अवार्ड्स की बात करें तो हमारी इंडियन नेशनल क्रश यानी कि रश्मिका मंदाना ने अभी तक 5 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि हैं बेस्ट डेब्यूट इन फीमेल फॉर किरिक पार्टी, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अनजानी पुत्र, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर गीता गोविंदा और क्रिटिक्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर गीता गोविंदा। वहीं उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था। रश्मिका मंदाना आज की डेट में उस लिस्ट में भी शामिल होती हैं जो कि महंगी एक्ट्रेसेस के बारे में होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएंगी फिल्म में अपनी क्यूटनेस और हॉटनेस के साथ, और अल्लू अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं, हमें कमेंट से ఇరవై మందిని పంపించారు అందరినీ చిత్తగుడితే
हुई पुष्पा फिल्म के शूट शेड्यूल में देरी। क्या इस डिले की वजह से पुष्पा की रिलीज डेट पर भी फर्क पड़ सकता है? पॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। अल्लू अर्जुन ने एक दो वर्ड्स में ही पुष्पा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है। फिल्म्स और टेलीविजन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी 2-3 महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आचाने आने लगी। बढ़ते हुए कोविड केसेस एक बार फिर से इंडिया के लिए सरदर्द बने हुए हैं और इसी कारण से काफी सारे मूवीज या तो थिएट्रिकल रिलीज को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर करेंटली शूट हो रही फिल्म के शूट शेड्यूल में गड़बड़ी हो गई है और कास्ट एंड क्रू की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन शेड्यूल्स को अभी पोस्टपोन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे हैं। इसी डिले का शिकार हुई है अल्लू अर्जुन की पैन इंडिया रिलीज पुष्पा। इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है पर अभी तक इस मैसिव प्रोजेक्ट के 2 शेड्यूल ही पूरे हो पाए थे। अब जैसे ही इसका अगले शेड्यूल की तैयारी कास्ट एंड क्रू ने शुरू की तो इनका रास्ता काट लिया कोरोना ने। क्योंकि फिल्म काफी बड़े स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है। मोर ओवर फिल्म के सारे शेड्यूल आउटसाइड ही शूट होने हैं, इसलिए डायरेक्टर साहिब सुकुमार ने सेफ्टी को चुनते हुए शूट को टालने की सलाह बनाई है। इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीज पे जरूर पड़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीज की डेडलाइन को पकड़ रख पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुमार एक ऐसा डायरेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। इनका सिद्धांत ही यही है, टाइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसल्ली बख्श। तो शूट तभी शुरू होगी जब कंडीशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, फिर चाहे इस डिले की भरपाई फिल्म की रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े। हालांकि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइज कर पाएंगे जब फिल्म के शेड्यूल टाइम से शूट हो पाएंगे और शेड्यूल में देरी का सीधा मतलब है रिलीज में देरी। पुष्पा को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आया है लेकिन कायास तो ये भी लग रहे थे कि शायद मेकर्स इसका टीजर अर्जुन के बर्थडे 8 अप्रैल को रिलीज कर दे। अब ये वायदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अल्लू की तरफ से मिला है वो तो मात्र 2 तेलुगु वर्ड्स का है, ठग्गे दिले। अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं। अल्लू अर्जुन एक तेलुगु मूवी के लॉन्च इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर गए थे। तो वहाँ जब उनसे पुष्पा की शूट के बारे में डिटेल पूछी गई तो उन्होंने इस सिर्फ 2 शब्दों में बयान किया, ठग्गे दिले, जिसका लूजली मतलब ये है कि फिल्म की शूट मस्त तेजी से चल रहा है लेकिन इसी तेजी पे लगाम अब लगने ही वाला है, वजह है कोरोना। यूं मान ही लो कि शूट मस्त 200 की स्पीड से चल रही तो इसी बीच कोरोना नाम का स्पीड ब्रेकर सामने आ गया। अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और यही करना भी पड़ा है पुष्पा फिल्म के मेकर को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के फिल्म पुष्पा की पहली झलक सामने आ गई है। इसका खुलासा करते हुए मेकर्स ने एक धमाकेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद अल्लू अर्जुन के फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए हैं। इस वीडियो में हमें अल्लू अर्जुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, जहां इस फिल्म का छोटा टीजर भी कमाल का है। दोस्तों देखा जाए तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था। मेकर्स ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया, जहां बताया गया कि इस फिल्म में नेशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के कैरेक्टर निभाएंगे। स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन और फहाद की टक्कर देखने लायक होगी। दोस्तों बात करें फर्स्ट लुक की तो वीडियो में देखने को मिला कि इसमें कोई एक व्यक्ति जंगलों के बीच भाग रहा है, जिसके दोनों हाथ पीछे हैं, हाथों में रस्सी बंधी है और पूरा चेहरा लाल कपड़े से ढका हुआ है। अगर बैकग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लू अर्जुन पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं। अब इस सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अल्लू अर्जुन भाग रहे हैं और उनके चेहरे पर रेड कलर का ये कपड़ा क्यों है? तो दोस्तों पता चलेगा जब फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। ये फिल्म 13 अगस्त को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली है। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तू सेट्टी। दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैन इंडिया को ध्यान में रखते हुए और उनके ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि इसका आनंद सभी लैंग्वेजेस के दर्शक उठा सके, क्योंकि इस फिल्म से अल्लू अर्जुन मैसिव स्टार पावर है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज्यादा लोग पसंद करेंगे। पुष्पा फिल्म की कहानी एक एक्शन एंटरटेनिंग स्टोरी है जिसके जरिए दर्शकों को फ्रेश और जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की जितनी भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट होती है, और जब उन फिल्मों में अल्लू अर्जुन का तड़का लगता है तो फिल्म
तो फिल्म और धमाकेदार हो जाती है। कल दोस्तों आपको कैसा लगा ये फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ पुष्पा फिल्म, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं गिनता कम, गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है। ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से पुष्पा मूवी से विजय सेतुपति की एग्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं? साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म पुष्पा के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्लाह वैकुंठपुरम अल्लू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे। तो आपको बता दें कि इनकी अगली फिल्म होगी धाकड़ एक्शन एंटरटेनर। पुष्पा की स्टोरी रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग पर बेस्ड होगी, जिसमें अल्लू हमें इसी धंधे में काम करते हुए लॉरी ड्राइवर बने दिखेंगे। इन्हीं के ऑपोजिट फिल्म में रश्मिका मंदाना भी होंगी। इनके रोल के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन हीरो हीरोइन के अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टोरी में, जी हाँ वो है विलेन का। तो जी विलेन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एक तगड़ा कंटेंडर पहले चुना था, जो कि थे विजय सेतुपति। और सीरियसली ये एक ऐसे एक्टर हैं जो साइड रोल में होके भी मेन एक्टर की परफॉर्मेंस को डोमिनेट कर देते हैं। और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलेन, पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजंस भी। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं। तफा हो जाओ यहां से, यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है, इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से बहलाई हुई है। हमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं। तफा हो जाओ यहां से, यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है, इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से बहलाई हुई है। हमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया।
यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिलाना है। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं। तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है। इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिलाना है। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं। तफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है। इसकी कोई कीमत नहीं है यहां। जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता।